नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड बीटीसी तृतीय सेमेस्टर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट्स को लेकर। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो सीरीज की पार्ट नंबर 3 है। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 ना देखा हो तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद उसको जरूर देखिएगा। और दोस्तों पेपर की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के लघु 3 प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न क्या रहा कि मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी है। तो दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला बाबर मध्य एशिया की छोटी सी दोस्तों रियासत फरगना के शासक का पुत्र एवं तैमूर का वंशज था। अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना का मतलब शासक बना। उस समय उसकी उम्र 11 वर्ष के लगभग थी। बाबर महत्वाकांक्षी शासक था, वह अपने पूर्वज तैमूर के राज्य ठीक है ना समरकंद को जीतना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया तथा वह भारत की ओर आकर्षित हुआ। बाबर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत पतन की ओर थी तथा इसमें कोई राज्य ऐसा नहीं था जो देश की रक्षा के लिए इन सबको एक सूत्र में बात कर नेतृत्व कर सकता हो। पूरे देश में स्वतंत्र राज्यों का उदय हो गया था, अतः राजनीतिक दशा ठीक नहीं थी। फिर अगला प्रश्न क्या रहा आपका, पानीपत का युद्ध किसके मध्य हुआ, या दोस्तों पानीपत के युद्ध के में मतलब बाबर की विजय के क्या कारण थे। पानीपत का युद्ध 1526, बाबर का 1526 ईस्वी में दिल्ली के पास पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी से सामना हुआ। बाबर के पास इच्छा मतलब अच्छी बंदूकें और बारूदी तोपे थी जो भारत के शासकों के पास नहीं थी। बाबर के पास प्रशिक्षित सेना व कुशल घुड़सवार थे जिन्हें अनेक युद्धों का अनुभव था। उसने अपनी सेना का कुशलता से संचालन किया तथा इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर की विजय हुई तथा दिल्ली और आगरा तक सारा प्रदेश उसके अधीन हो गया। अगला क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध कब हुआ और इसके क्या परिणाम हुए। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली मराठों के मध्य हुआ। इसमें मराठा हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली की जीत हो गई। इसमें काफी लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया जिसमें मराठों की ओर से लगभग 260,000 सैनिक थे। इसमें मराठों का प्रभुत्व कम हुआ। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ। तो खानवा का युद्ध, देखिए खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य 1527 ईस्वी में हुआ। राणा सांगा का पूरा नाम संग्राम सिंह था। बाबर ने फतेहपुर सीकरी आगरा से 30 मील की दूरी पर खानवा नामक स्थान पर राणा सांगा को युद्ध में हरा दिया। सन 1528 ईस्वी में चंदेरी के शासक मेदनी राय को तथा अफगान सरदारों को 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। सन 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर एक उच्च कोटि का साहित्यकार भी था। उसने अपनी आत्मकथना तुजुक ए बाबरी नामक पुस्तक तुर्की भाषा में भी लिखी थी। फिर अगला क्वेश्चन है, हुमायूं कौन था। देखिए हुमायूं, बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठते ही हुमायूं को अफगान गुजरात के शासक बहादुर शाह तथा शेर शाह सूरी ठीक ना शेर शाह को से मतलब चुनौती मिली। उसके सगे संबंधी भी उसके लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे थे, उन्होंने उसके शत्रुओं का ही साथ दिया था। अगला क्वेश्चन, शेर शाह सूरी कौन था। देखिए शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी बिहार की एक छोटी सी जागीर के अफगान सरदार का पुत्र था। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। एक बार उसने अपने मालिक की जान शेर से बचाने के लिए शेर को मार डाला था, तभी से फरीद का नाम शेर खां पड़ गया। शासक बनने के बाद वह शेर खां मतलब शेर शाह के नाम से पुकारा गया। शेर शाह ने जौनपुर में अरबी फारसी इतिहास और साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। देखिए शेर शाह बाबर की सेना में भर्ती हुआ था, इस कारण उसे मुगलों की सैन्य संगठन का अच्छा ज्ञान था। धीरे धीरे शेर खां ने बिहार में अपना प्रभुत्व स्थापित किया और संपूर्ण बिहार का शासक बन गया। फिर अगला प्रश्न हमारा, शेर शाह के राजस्व संबंधी सुधारों का उल्लेख हमें करना है। तो शेर शाह ने 3 दरें निश्चित की थी जिनमें राज्य की सारी पैदावार का 1/3 राजकोष में लिया जाता था। ये दरें जमीन की उर्वरा शक्ति के अनुसार तय की गई थी। भूमि के भिन्न भिन्न उर्वरता के अनुसार अच्छी बुरी और मध्य श्रेणी की उपज को प्रति बीघे जोड़कर उसका 1/3 भाग राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। राजस्व भाग बाजार भाव के अनुसार रकम में वसूल किया जाता था जिससे राजस्व कर्मचारियों तथा किसानों को बहुत सुविधा होती थी। इस्लाम शाह की मृत्यु तक यह पद्धति चलती रही। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी ने जनता की भलाई के लिए क्या क्या कार्य किए आपको ये बताना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले सड़कों का निर्माण कराया जिससे व्यापार में उन्नति हुई।
सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाए, यात्रियों के विश्राम के लिए सराय बनवाई और कुएं खुदवाए, कई मदरसे मकतब खुलवाए, दिल्ली के निकट यमुना के किनारे शेरपुर नामक नगर बसाया, दिल्ली के पुराने किले में 200 शेर मंडप बनवाया जिसे हुमायूं के बाद में पुस्तकालय का रूप दे दिया गया। अगला क्वेश्चन, हुमायूं और शेर शाह के मध्य युद्धों का क्या परिणाम हुआ, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों युद्ध देखते हैं, चौसा का युद्ध। हुमायूं शेर शाह के बढ़ते हुए प्रभाव से सशंकित था, अतः उसने शेर शाह को नियंत्रित करने का निश्चय किया। हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेर शाह की ओर बढ़ा। 1537 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर दोनों में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई और उसने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। फिर दोस्तों उसके बाद होता है आपका कन्नौज का युद्ध। शेर शाह अफगानों की खोई हुई सत्ता को पुनः स्थापित करना चाहता था, अतः 1540 ईस्वी में कन्नौज में हुमायूं और शेर शाह का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं की पराजय हुई और शेर शाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर शेर शाह सूरी के नाम से शासन किया। हुमायूं सिंध के रास्ते होते हुए फारस चला गया। विपदा के दिनों में उसने अमरकोट के राजपूत राजा वीरसाल ने संरक्षण दिया। अमरकोट में ही 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग कि अकबर का सामान्य परिचय हमें देना है। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। सन 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर की उम्र केवल 13 वर्ष की थी। पिता की मृत्यु से अकबर बहुत दुखी था और अकबर मतलब बैरम खान ने उसका धैर्य बढ़ाया और कलनौर नामक स्थान पर 1556 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। 1560 ईस्वी में अकबर ने स्वतंत्रता पूर्वक शासन करना प्रारंभ किया। उसने 1562 ईस्वी में युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने की प्रथा तथा 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्री कर समाप्त कर दिया। 1564 ईस्वी में हिंदुओं से लिया जाने वाला जजिया कर भी समाप्त किया गया। अगला दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या रहा, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या क्या किया, इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो अकबर एक चतुर सम्राट था, वह जानता था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना न तो साम्राज्य का विस्तार कर सकता है और न ही साम्राज्य पर अपना अधिकार बनाए रख सकता है। इसके लिए उसने अनेक हिंदुओं के मनसबदार बनाए। इनमें से अधिकांश राजपूत राजा थे जिसने अकबर के ने मतलब वैवाहिक संबंध तथा व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए। राजपूतों के लिए दोस्तों उसने अपनी अलग से नीति निर्धारित की। उसने राजपूत राजाओं से दोस्ती कर श्रेष्ठ एवं स्वामीभक्त राजपूतों अपनी सेवा में लिया जिससे मुगल साम्राज्य काफी दिन तक जीवित रहा। अकबर ने भगवान दास राजा मानसिंह वीरबल और टोडरमल जैसे राजपूत राजाओं को उच्च मनसब प्रदान किए। अकबर ने आमेर मतलब आमेर बीकानेर जैसलमेर की राज कन्याओं से विवाह किए। इस प्रकार अकबर एक स्थायी और शक्तिशाली विस्तृत साम्राज्य की कल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो दोस्तों आप ऐसे बनाकर इसको अच्छे से लिख सकते हैं। और दोस्तों देखिए मेन बात यह है कि आपका कि देखिए दोस्तों जल्दी ही अकबर की सेना और राणा का सामना 1576 ईस्वी में हल्दीघाट के मैदान में हुआ था। और दोस्तों देखिए अकबर की जो मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु भी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है जहांगीर कौन था। जहांगीर अकबर का पुत्र था। जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था। उसका बचपन का नाम सलीम था। अकबर ने नवरत्न अब्दुल रहीम खान खाना से सलीम ने तुर्की तथा फारसी भाषाओं में ज्ञान प्राप्त किया। अकबर की मृत्यु के बाद सलीम का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से 1605 ईस्वी में आगरा में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा नूरजहां कौन थी। नूरजहां तेहरान निवासी ग्यास बेग की पुत्री थी। उसका बचपन का नाम मेहरू निशा था। उसका पहला विवाह शेर अफगान नामक एक ईरानी के साथ हुआ था। उसकी बुद्धि और सुंदरता के कारण जहांगीर द्वारा उसे नूरजहां की उपाधि दी गई। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि शाहजहां कौन था। तो जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां गद्दी पर बैठा। उसका सिंहासन रोहण 1628 ईस्वी में आगरा में हुआ। शासक बनते ही उसने खान जहां लोधी का विद्रोह बुंदेलखंड तथा नूरपुर के जमींदार जगत सिंह के विद्रोह का दमन किया। उसने पुर्तगालियों से भी युद्ध कर उन्हें खदेड़ दिया। उसने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से दक्षिण भारत के अहमदनगर गोलकुंडा बीजापुर पर आक्रमण किए। मराठों के साथ मुगल सेना का भी संघर्ष हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा कि शाहजहां का काल स्थापत्य निर्माण के रूप में याद किया जाता है, इसको आप उल्लेख करना, ठीक है। क्वेश्चन देखिए पेपर में आया आपके। देखिए मुगल काल में समाज में शांति समृद्धि एवं सुव्यवस्था थी, फलतः इस काल में विभिन्न कलाएं न केवल विकसित हुई अपितु अपने चरम पर भी पहुंची। स्थापत्य कला के क्षेत्र में दिल्ली का लाल किला, जहांगीर महल, अकबरी महल, लाहौर का किला, जामा मस्जिद,
इलाहाबाद का किला, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा, शेर सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई का महल आदि प्रमुख इमारतें हैं। शाहजहां के शासनकाल में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व एवं आश्चर्यजनक उन्नति हुई। उसके काल में लाल किला, दीवाने खास, दीवाने आम, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद, अंगूरी बाग तथा ताजमहल विश्व प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, औरंगजेब का सामान्य परिचय में देना है। तो औरंगजेब मुगल सम्राट शाहजहां का तीसरे नंबर का पुत्र था। उसका जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट हुआ था। औरंगजेब 1658 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। औरंगजेब ने सत्ता संभालते हुए निम्न परिवर्तन किए। सबसे पहले दोस्तों नंबर आता है आपके, औरंगजेब ने तड़क भड़क का परित्याग करके सादगी का जीवन अपनाया। दूसरा, मदिरा भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर रोक लगा दी। तीसरा दोस्तों, जन आचरण पर नजर रखने वाले एवं अनैतिकता को रोकते हुए मुहतसबीर नियुक्त किए। चौथा दोस्तों, दरबार में नृत्य और संगीत पर रोक लगाई किंतु संगीत को राज्य में प्रतिबंधित नहीं किया। पांचवा दोस्तों बिंदु, उसके द्वारा जारी सिक्कों पर कलमा हटवा दिया गया। छठा, जनता पर लगे लगभग 80 करोड़ को हटा दिया गया। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या है कि औरंगजेब का राजनीतिक जीवन समस्याओं से घिरा हुआ था, व्याख्या आपको करनी है। देखिए, औरंगजेब को शासन ग्रहण करते ही अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा। अधिकारियों की संख्या बढ़ने से पर्याप्त जागीरें और वेतन की आवश्यकता थी। जागीरदार तबादले की आशंका से जागीरों के अंदर खेती बढ़ाने में रुचि नहीं रखते थे। इससे लगान कम मिलने लगा और औरंगजेब की स्थिति एक अनाथ सौ बीमार जैसी हो गई। औरंगजेब ने अपने राज्य की समस्याओं से निपटने के लिए अहोम या असम, बीजापुर तथा गोलकुंडा राज्यों को अपने अधिकार में ले लिया, किंतु जितना लगान इन राज्यों से मिलता था उतना ही नए अमीरों पर खर्च करना पड़ता था। उनके विद्रोह को शांत करने के लिए धन, समय और ऊर्जा व्यय करनी पड़ती थी, ठीक है ना। देखिए, औरंगजेब को जाटों, सिखों, उत्तर पश्चिम के पठानों, राजपूतों, मराठों, मेवाड़ तथा नारनौल के सतनामियों से लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। जाटों से संघर्ष 1669 से लेकर 1691 तक चलता रहा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, ठीक, इसको देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन हुआ। मुगल दरबारे सरदारों के बीच आपसी झगड़ों और षड्यंत्रों का अड्डा बन गया था और शीघ्र ही महत्वाकांक्षी तथा प्रांतीय शासक स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे। साम्राज्य की कमजोरी उस समय विश्व के सामने स्पष्ट हो गई जब 1739 में नादिर शाह ने मुगल सम्राट को बंदी बना लिया तथा दिल्ली को खुलेआम लूटा। मुगल काल में वाणिज्य तथा व्यापार का विकास हुआ, परंतु इस काल में मुगल सरदारों की विलासिता भी अधिक बढ़ गई। प्रशासनिक स्तर पर असंतोष और भेदभाव फैला। इससे जागीरदार व्यवस्था में गंभीर संकट पैदा हुआ। अधिकतर सरदारों का यह प्रयास रहता था कि वे अधिक आमदनी वाली जागीर हथिया लें और इस कारण मुगल प्रशासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। सरदार स्वाधीनता की कल्पना करने लगे। मुगल प्रशासन बहुत हद तक केंद्रित था और इसकी सफलता सम्राट की योग्यता पर निर्भर करती थी। योग्य सम्राट के अभाव में वजीरों, सरदारों और मनसबदारों ने उनका स्थान लेने की चेष्टा की, जो कि मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण बना। राजनीतिक क्षेत्र में औरंगजेब ने कई गंभीर गलतियां की। उसने मराठों एवं राजपूतों को मित्र बनाने की बजाय उन्हें अपना दुश्मन बना लिया। औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल राज्य दक्षिण तक फैल चुका था। पूरे साम्राज्य का नियंत्रण उत्तर भारत से ही होता था। बहुत दूर होने के कारण दक्षिण भाग पर प्रभावशाली नियंत्रण रखना संभव नहीं था। इसके कारण दक्षिण भारत के राज्य अपने को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण यूरोपियों का भारत में आगमन भी था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताइए या मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा करिए। क्वेश्चन डीएलएड 2017 में आया था, इसको देखते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। सबसे पहले दोस्तों औरंगजेब की धार्मिक नीति। देखिए, औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाने का प्रयास किया गया, मतलब ताकत से। परिणाम स्वरूप हिंदू उसके विरुद्ध हो गए। उसके शासनकाल में बुंदेलों, सिखों, जाटों, मराठों, राजपूतों ने विद्रोह किए और मुगल साम्राज्य को अपार क्षति पहुंचाई। फिर औरंगजेब की दक्षिणी नीति। औरंगजेब ने लगभग 50 वर्ष तक शासन किया। उसने अपने शासन के 25 वर्ष में मतलब दक्षिण में ही व्यतीत किए। दक्षिण में हुए विद्रोह के दमन और में मतलब अपार धनराशि व्यय हुई। दक्षिण में लगातार रहने के कारण वह उत्तर भारत की ओर ध्यान न दे सका। परिणाम स्वरूप दरबार षड्यंत्रों का केंद्र बनकर रह गया और कुचक्र एक नियम औरंगजेब को जीवन पर्यंत मराठा शक्ति का सामना करना पड़ा। अथक प्रयासों के बाद भी हुआ कभी भी मराठा शक्ति को पूर्णतः दबा नहीं पाया। लगातार युद्धरत रहने के कारण उसका साम्राज्य आर्थिक समस्याओं से घिर गया। प्रशासन छिन्न भिन्न हो गया
ऐसी स्थिति में साम्राज्य का पतनोन्मुख होना अवश्यंभावी था। अब दोस्तों देखिए, फिर बात आती है आपके अयोग्य सम्राट की, कि औरंगजेब के पश्चात जितने भी सम्राट हुए वे अयोग्य थे। उसने अपने आपसी समस्याओं से ही इतने घिरे रहते थे कि अन्यत्र कहीं ध्यान नहीं दे पाते थे। उत्तराधिकारी का नियम ना होना मुगल सम्राटों के लिए सिरदर्द बना रहा। उत्तराधिकारी के नियम का अभाव दोस्तों, फिर उसके बाद आती साम्राज्य की विशालता, मराठों का उत्थान, शायद बंधुओं का उत्थान। देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपके 2 नंबर के आते हैं पेपर में, तो आपको 2 नंबर के हिसाब से उत्तर करना चाहिए, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, नूरजहां मकबरा तथा कोहिनूर शब्दावलियों के शाब्दिक अर्थ को आपको स्पष्ट करना है। नूरजहां, नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर ने उसकी सुंदरता के कारण उसे यह उपाधि दी। मकबरा, बादशाह की कब्र के ऊपर बना स्मारक। कोहिनूर, मयूर सिंहासन में जड़ा हुआ बहुमूल्य हीरा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की रूपरेखा स्पष्ट करना है। सम्राट, पहले दोस्तों देखिए, मुगल सम्राटों को ने मतलब निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को लागू किया था। राज्य का सर्वे सर्वा सम्राट अथवा बादशाह हुआ करता था। सम्राट निरंकुश होते थे किंतु स्वेच्छाकारी नहीं। सम्राट प्रजा वसूल खलीफाओं से स्वतंत्र तथा न्यायप्रिय एवं प्रधान सेनापति हुआ करते थे। दूसरा दोस्तों आता है आपका केंद्रीय अधिकारी। देखिए, शासन सुविधा की दृष्टि से सम्राट अनेक विभाग व अधिकारियों की व्यवस्था करते थे। सम्राट इन अधिकारियों की सहायता से शासन करता था। संबंधित अधिकारी अपने विभाग की देखरेख किया करते थे। प्रमुख अधिकारी इस प्रकार थे। पहला दोस्तों आता है आपका वकील, वकीले मुतलक। दूसरा दोस्तों मीर बख्ती। तीसरा दीवान। चौथा आपका सदर उश सुदूर। पांचवा आपका मुख्य खाजी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद छठा आता है मुहतसिब। फिर सातवां दोस्तों खाने सामा। आठवां मीर आतिश। फिर नवा दरोगे, डाक, चौकी। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन सामाजिक जीवन का आपको वर्णन करना है। उस समय क्या होता था इसको दिखाना है। तो मुगल कालीन समाज में उच्च, मध्य तथा निम्न वर्ग थे। उच्च वर्ग में शासक एवं राज परिवार के लोग, मध्य वर्ग में सामंत तथा निम्न वर्ग में किसान, श्रमिक आदि शामिल थे। इस काल में स्त्रियों की दशा संतोषजनक नहीं थी। समाज में पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बहुविवाह, जौहर प्रथा आदि का प्रचलन था। फिर दोस्तों देखिए, इस काल में आपके मुसलमानों को एक साथ 4 पत्नी रखने की छूट थी, किंतु सामान्यतः हिंदू एक विवाह ही करते थे। इस काल में उच्च वर्ग में एवं मध्य वर्ग का जीवन सुखी एवं समृद्ध था, किंतु निम्न वर्ग के लोग संघर्षमय जीवन व्यतीत करते थे। चौगान, शिकार, पशुओं के युद्ध मतलब पशुओं के युद्ध आदि लोगों के मनोरंजन का मुख्य साधन था। इस काल की प्रसिद्ध महिलाएं मीराबाई नूरजहां, जोबन सिन्हा, आकाबाई तथा गुलबदन बेगम आदि थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है आपका, कि मुगल कालीन साहित्यों पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, साहित्य में क्या विकास में इसको देखते हैं। तो साहित्यिक जीवन, मुगल कालीन शासक स्वयं साहित्य एवं कला प्रेमी सम्राट थे। फलतः इसके शासनकाल में साहित्य एवं कला की अभूतपूर्व उन्नति हुई। मुगल वंश का संस्थापक बाबर स्वयं तुर्की एवं फारसी का बड़ा विद्वान था। बाबर नामा उसकी प्रसिद्ध रचना है। मुगल काल में फारसी ग्रंथों की रचनाओं का बाहुल्य रहा। इस काल में अनेक हिंदी एवं संस्कृत के ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। गुलबदन बेगम का हुमायूं नामा, अबुल फजल द्वारा लिखित अकबर नामा एवं आयन ए अकबरी आदि इस काल की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। शाहजहां ने शासन काल में भी साहित्य की पर्याप्त उन्नति हुई। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान एवं कवि पंडित जगन्नाथ शाहजहां के राजकवि थे। इन्हें रस गंगाधर तथा गंगालहरी नामक प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। इसके अतिरिक्त संत तुलसीदास ने रामचरितमानस तथा भूषण मतिराम जैसे हिंदी के महान कवियों की श्रेष्ठ रचनाएं की, मतलब ठीक है ना। तो दोस्तों ये सब हुआ था यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन आता है, कि मुगल काल को साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, स्पष्ट करना है आपको। तो मुगल काल में साहित्य का निर्माण विभिन्न भाषाओं में हुआ। नवीन रचनाएं और अनुवाद दोनों ही दृष्टि से इस समय महत्वपूर्ण कार्य हुए। फारसी, संस्कृत, हिंदी आदि के अतिरिक्त उर्दू भाषा का विकास भी इस काल में हुआ था। देखिए, फारसी साहित्य में मुख्य स्थान ऐतिहासिक पुस्तकों एवं आत्मकथाओं का है, जिनमें बाबर की आत्मकथा, तजुके बाबरी, अबुल फजल का अकबरनामा और आईने अकबरी, गुलबदर बेगम की हुमायूं नामा आदि है। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकला के क्षेत्र में जहांगीर का योगदान बताना है। तो देखिए, जहांगीर सौंदर्य पाशक था। उसके इस व्यक्तित्व गुण तथा देश में व्याप्त सुख शांति से चित्रकला को बड़ा प्रोत्साहन दिया। बादशाह स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था। उसका चित्रकला का अनुभव इतना तीव्र हो गया था कि चित्र को देखकर वह चित्रकार का नाम बता सकता था। फारूक बेग, मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद इस काल के महान चित्रकार थे। आका रजा का पुत्र अब्दुल हसन उस समय
के सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों में गिना जाता था। उसे बादशाह ने नादिर जमा की उपाधि दी थी। इसी प्रकार दोस्तों उस्ताद मंसूर ने भी मतलब भी एक श्रेष्ठ चित्रकार था, इसे नादिर उल असर की उपाधि मिली। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मुगल काल की आर्थिक व्यवस्था का वर्णन करना है, तो इसकी आर्थिक दशा कैसी थी। मुगल काल में बहुसंख्यक प्रजा का व्यवसाय कृषि था, गेहूं जौ चना मटर तिलहन इत्यादि उपज की मुख्य फसलें थी। इसके अतिरिक्त कपास गन्ना पोस्ता पान आदि फसलें भी उत्पन्न की जाती थी। सिंचाई के लिए नहरें थी, कुएं तथा तालाब भी खुदवाए गए थे। उद्योग धंधे दोस्तों कैसे थे। राज्य में पशु वस्तुओं के अधिक से अधिक उत्पादन के लिए प्रयत्न करता था, परंतु औद्योगिक व्यवस्था आजकल की दोस्तों जैसी नहीं थी। जुलाहे बढ़ई शिल्पजीवी जो उत्पादन करते थे उनमें पूंजीपतियों से सहायता पाते थे, ये उनका शोषण करते थे। उच्च वर्ग के लोग ही इन्हें इससे मुक्त कर सकते थे, परंतु उनकी इच्छाएं बदल गई थी। वे विदेशों से आए हुए माल को तो खरीदते थे, किंतु अपने कारीगरों की बनाई हुई चीजों को नहीं अपनाते थे। कच्चे माल का मूल्य अधिक था, करों का भार भी असहनीय हो रहा था, इसलिए दोस्तों बेचारों कारीगरों को पूंजीपतियों के शरण लेनी पड़ती थी, उन्हें लाभ अधिक नहीं होता था। अकबर ने बहुत से कर हटा दिए थे, परंतु उससे उत्तराधिकारियों के समय में उनकी दशा पहले से खराब हो गई थी। कभी कभी दोस्तों उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था। ग्रामीण उद्योग धंधे की अवनति होने से बहुत से कारीगर नगरों में जाकर वही रहने लगे थे। उस समय दोस्तों देखते हैं मुख्य उद्योग और धंधे क्या क्या थे उसको देखते हैं हम लोग। देखिए लकड़ी के पलंग संदूक कपड़े का सामान ठीक ना, कागज मिट्टी के बर्तन आदि बनाना, ये दोस्तों उस समय मुख्य उद्योग धंधे थे और रेशम भी बनता था उस समय। परंतु अब चीन ईरान मध्य एशिया से आने लगा था, अकबर ने इसे प्रोत्साहन दिया। लाहौर आगरा फतेहपुर सीकरी गुजरात में इस व्यवसाय से अच्छी उन्नति थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि शिवाजी का सामान्य परिचय दीजिए। शिवाजी को देखते हैं, शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में सिवनेर की पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले इस समय अहमदनगर राज्य में नौकर थे, परंतु बाद में उन्होंने बीजपुर के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर ली। शाहजहां मतलब शाहजी ने दूसरा विवाह कर लिया था। उनकी पहली पत्नी जीजाबाई अशिक्षित थी, इसलिए शिवाजी की शिक्षा का भार उनकी माता जी जीजाबाई पर पड़ा, जो साथी थी ना शाहजी की पूना की जागीर में रहती थी। जीजाबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, अतः उन्होंने शिवाजी को बचपन से ही धार्मिक संस्कारों में डालना प्रारंभ कर दिया। मस्तिष्क में धर्मानुराग के बीज बोए शिवाजी को गुरु दादा कोड़देव ने उन्हें युद्ध कला तथा राजनीति की शिक्षा दी। युवक शिवाजी महाराष्ट्र की हीन दशा से बहुत ही दुखी थे, फलस्वरूप उन्होंने मराठों का स्वतंत्र राज्य स्थापित कराने मतलब करने का पक्का इरादा कर लिया। भारतीय इतिहास में वे स्वराज्य संस्थापक तथा राष्ट्र निर्माता के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों आता है कि शिवाजी की प्रारंभिक सफलताओं का हमें वर्णन करना है। तो देखिए पूना की जागीर का स्वतंत्र शासक बनने के बाद शिवाजी ने अपनी शक्ति बढ़ाना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्हें एक सेना संगठित की, जिसमें पश्चिमी घाट में रहने वाले युवकों को भर्ती किया। उनके प्रारंभिक अभियानों में इन युवकों ने उनकी बड़ी सहायता की। शिवाजी के पास साधनों का अभाव था, इसलिए उन्हें कूटनीति से काम लेना पड़ा। महाराष्ट्र के विस्तृत भूभागों पर बीजापुर सुल्तान का अधिकार था, इसलिए सर्वप्रथम शिवाजी ने बीजापुर राज्य में लोहा लिया। 1646 ईस्वी में उन्होंने बीजापुर से तोरण का किला छीन लिया। इस किले से शिवाजी को काफी धन मिला। इस धन से दोस्तों उन्होंने राजगढ़ का किला बनवाया और अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई। कुछ समय पश्चात उन्होंने रायगढ़ पुरंदर सिंहगढ़ कोकड़ आदि कई किले अपने अधिकार में कर लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि शिवाजी का मुगलों से संघर्ष का क्या परिणाम निकला, इसको समझाना है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अफजल खां के विरुद्ध शिवाजी को जो सफलता मिली उससे उन्हें और उनकी सेना को बड़ा प्रोत्साहन मिला। अब वे मुगलों के दक्षिण इलाकों में लूट मार करने लगे, अतः मुगलों से उनका संघर्ष होना स्वाभाविक था। ठीक ना, औरंगजेब शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित हुआ और उन्हें दबाने के लिए अपने मामा शाइस्ता खां को 1660 ईस्वी में दक्षिण में भेजा। शाइस्ता खां ने मराठों के विरुद्ध 2 वर्ष तक युद्ध किया और उनके कई किले जीत लिए। शिवाजी ने मुगल सेनापति को नीचा दिखाने के लिए रात के समय उन पर आक्रमण कर दिया। सोते हुए मुगलों में भगदड़ मच गई। इस युद्ध में शाइस्ता खान ने अपना अंगूठा खोकर भाग गया। अप्रैल 1663 ईस्वी में इस आक्रमण में शिवाजी को पूरी सफलता प्राप्त हुई, इससे उनकी ख्याति और उत्साह बढ़ा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पुरंदर की संधि के विषय में आप क्या समझते हैं इसको बताना है। ये क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है, पुरंदर की संधि। शिवाजी को दबाने के लिए औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जय सिंह और दिलेर खां को सेनापति
बनाकर दक्षिण भेजा। राजा जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए तैयार कर लिया। संधि की शर्तों के अनुसार शिवाजी ने 23 दुर्ग औरंगजेब को दे दिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिवाजी के शासन प्रबंध के विषय में आपको लिखना है। सबसे पहले दोस्तों बात आती है आपकी केंद्रीय शासन। अपनी शासन व्यवस्था के प्रधान शिवाजी स्वयं थे। उनका प्रशासन बहुत सीमा तक दक्षिण राज्यों की प्रशासन व्यवस्था पर आधारित था। राज्य की सर्वोच्च शक्ति उनके हाथों में केंद्रित थी। उनके अधिकारों पर कानूनी बंधन नहीं था। इस प्रकार मध्ययुग के सभी शासकों की भांति शिवाजी भी निरंकुश थे, परंतु वह अत्याचारी नहीं थे। वह अपनी शक्ति का प्रयोग जनता की भलाई के लिए किया करते थे। शासन कार्य में राजा को सहायता देने के लिए 8 मंत्रियों का मंडल था, जिसे अष्ट प्रधान कहते थे। फिर दोस्तों बात आती है आपकी प्रांतीय शासन कैसा था। शिवाजी का साम्राज्य बहुत विशाल तो नहीं था, किंतु उनका शासन प्रबंध केवल केंद्रीय सरकार द्वारा संभव नहीं था, इसलिए शिवाजी ने प्रांतीय शासन व्यवस्था की थी। शिवाजी ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभक्त किया था। वह प्रदेश जो सीधे शिवाजी के नियंत्रण में था, स्वराज के नाम से संबोधित किया जाता था, इसका प्रबंध शिवाजी स्वयं करते थे। फिर दोस्तों एक बारी आती है आपकी स्थानीय शासन कैसा था। देखिए, प्रत्येक प्रांत को कई परगनों में तथा परगनों को ग्रामों में विभक्त किया गया था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का मुखिया पटेल कहलाता था। प्रत्येक परगने में वेतन प्राप्त अधिकारी भी होते थे। चौथा दोस्तों आता आपका कि सैनिक व्यवस्था। शिवाजी की सेना का संगठन मुगल सेना की अपेक्षा कहीं अधिक सुदृढ़ थी। शिवाजी का सैन्य संगठन इस प्रकार था। अश्व सेना का विशेष महत्व था। दूसरा, किलों का प्रबंध कराया गया था। तीसरा दोस्तों, सेना में कठोर अनुशासन प्रणाली लागू थी। चौथा, चातुर्यपूर्ण गुरिल्ला युद्ध प्रणाली। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि शिवाजी के शासन तंत्र से में मतलब आय के साधन क्या क्या थे, तो मतलब पैसों की कमाई कैसे होती थी उनकी, उसको देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों भूमि कर व्यवस्था थी। उस समय शिवाजी की भूमि कर व्यवस्था के संबंध में एक आधुनिक इतिहासकार ने लिखा है कि शिवाजी ने अकबर के योग्य मंत्री टोडरमल द्वारा चलाई गई भूमि कर व्यवस्था को ग्रहण किया था। उन्होंने अपने राज्य पर मतलब राजभर में भूमि की पैमाइश कराई तथा उपज का 40% राज्य कर निश्चित किया। उसके बाद दोस्तों अब बारी आती चौथ और सरदेशमुखी। भूमि कर से होने वाली आय पर्याप्त न होने के कारण शिवाजी को पड़ोसी राज्यों को समय समय पर लूटने की आवश्यकता पड़ती थी। वे चौथ और सरदेशमुखी नाम से पुकारते थे। तीसरा दोस्तों, प्रजा की सुख संपन्नता। राज्य के कर्मचारी प्रजा के ऊपर अत्याचार नहीं करते थे। शिवाजी के शासन काल में प्रजा बड़ी सुखी संपन्न थी। दुर्भिक्ष के समय राज्य की ओर से कृषकों को अन्न और धन की सहायता दी जाती थी। अपनी जनता की सुख शांति तथा समृद्धि के लिए शिवाजी ने निरंतर प्रयत्न किया। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि हमारा 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति का मूल्यांकन करिए। कैसा रहा दोस्तों 18वीं शताब्दी में भारत? 18वीं शताब्दी के आरंभ में भारत के विभिन्न भागों में देशी और विदेशी शक्तियों के छोटे छोटे मतलब छोटे बड़े राज्य स्थापित होने लगे। उत्तर भारत की ओर विदेशी आक्रमण होने लगे। सन 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य की जड़ें हिला दी और सन 1761 में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से मराठों का अस्तित्व समाप्त हो गया। अतः मुगलों एवं मराठों के पतन और छोटे छोटे राजाओं की आपस में लड़ाई से कोई शक्तिशाली राज्य नहीं बचा जो विशाल भारत के अस्तित्व को बनाए रखता। अतः यूरोपीय कंपनियों ने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करके अपना प्रभुत्व जमा लिया। ठीक दोस्तों, इसको आप बनाकर ऐसे लिख सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसे। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या रहा कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन कब हुआ? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत की व्यापारिक संपदा से आकृष्ट होकर अनेक यूरोपीय जातियों का ध्यान भारतीय व्यापार की ओर आकृष्ट हुआ। इन यूरोपीय जातियों ने भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित किए। उनके व्यापारिक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप अनेक यूरोपीय जाति यथा पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, ये सब दोस्तों ठीक है व्यापार करने के लिए भारत आया और दोस्तों भारत में यूरोपीय व्यापार का प्रारंभ हुआ। अब इसको दोस्तों याद रखिएगा, जैसे यूरोपीय व्यापारियों का आगमन, पुर्तगाली दोस्तों 1498, अंग्रेज 1600 ईस्वी में आते हैं, डच 1602 ईस्वी में, डेनिश 1616 ईस्वी में और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, भारत में पुर्तगालियों के आगमन पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 1453 ईस्वी में कुस्तुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया तो यूरोप व भारत के मध्य स्थल मार्ग नहीं रहा। यूरोपीय देश समुद्री मार्ग की खोज में लग गए। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। उसके भारत आने के साथ ही एक नए युग का प्रारंभ हुआ। अब भारत और पुर्तगाल के बीच व्यापार प्रारंभ हो गया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक
कोष्ठियां स्थापित की, परिणाम स्वरूप पुर्तगाल के व्यापार में अधिकाधिक वृद्धि हुई। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ, ये आपको बताना। देखिए अंग्रेजों ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ से भारत में व्यापार करने के लिए आज्ञा पत्र प्राप्त किया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर व्यापार प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ में अंग्रेजी व्यापारियों को 15 वर्ष के लिए आज्ञा पत्र प्रदान किया गया था, किंतु उन्होंने धीरे धीरे भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिपत्य, ठीक है ना, एकाधिपत्य स्थापित कर लिया और भारत में की राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे। 1608 ईस्वी में कप्तान हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने आज्ञा पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया। 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों की व्यापारिक कोष्ठी की स्थापना हुई। 1615 ईस्वी में सर टॉमस को, मतलब टॉमस रो, व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आगरा में आया और यथा 3 वर्ष तक रहा। प्रारंभ में मुगल दरबार में पुर्तगालियों का अधिक प्रभाव होने के कारण उसे अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई, किंतु अंततः वह शहजादा खुर्रम से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में सफल हुआ। ठीक है दोस्तों, ऐसा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात और आपको बता दें कि 1640 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी मद्रास में एक सुदृढ़ दुर्ग की स्थापना की तथा 1662 में बंबई में अपना अधिकार भी कर लिया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के क्या कारण थे, इसको आपको समझाना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। कुछ कारड़ो वंश यूरोपीय जातियां भारत में आई, इन जातियों ने भारत को व्यापारिक केंद्र बनाया, यहाँ से व्यापार करके अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया तथा अधिकारिक व्यापारिक लाभ अर्जित किया। तो दोस्तों पहला पॉइंट क्या रहा आपका कि भारतीय आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश था, यहाँ की आर्थिक संपन्नता ने यूरोपीय व्यापारियों को आकर्षित किया। दूसरा पॉइंट, यूरोपीय बाजार में भारतीय मसलों की प्रचुर मात्रा में मांग थी, यहाँ के मसाले दोस्तों यूरोप में अधिकाधिक मात्रा में बिकते थे। तीसरा दोस्तों, वेनिस और जिनेवा के व्यापारियों ने यूरोप एवं एशिया के व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया था, वे स्पेन तथा पुर्तगालियों व्यापारियों को हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आएगा कि प्लासी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ। तो दोस्तों आपको जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 1757 ईस्वी, ठीक है ना। तो ब्रिटिश कंपनी शाही फरमान की अवज्ञा करने लगी थी, जब सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया तो क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 1757 ईस्वी में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला तथा क्लाइव की सेनाएं आमने सामने हुई। नवाब ने अपने सेनापति मिर्जाफर को अंग्रेजों पर आक्रमण की पहल करने को कहा, किंतु मिर्जाफर निष्क्रिय खड़ा रहा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा कि विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए क्या क्या तरीके अपनाए, इसको आपको बताना है। देखिए भारत पर आधिपत्य स्थापित करने की होड़ में अंग्रेज सफल रहे, उन्होंने 100 वर्ष से भी कम समय में संपूर्ण भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में अपना अधिकार, मतलब आधार सुदृढ़ बनाकर उन्होंने अन्य भागों में जीता और 1849 में पंजाब पर अधिकार होने से पूरे भारत के स्वामी बन गए। कंपनी शासन के समय हुए संवैधानिक विकास के संदर्भ में कुछ बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उस समय इंग्लैंड में उद्योग धंधों के क्षेत्र में पूर्ण परिवर्तन हो रहे थे, भाप की शक्ति का पता लगाने तथा नए किस्म के कार्गो के आविष्कार से वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। शिल्पकारों के स्थल पर अब कारखानों ने समय में बहुत ही अधिकाधिक मात्रा में उत्पादन प्रारंभ कर दिया। इंग्लैंड में तथा उससे बाहर व्यापार का विस्तार होने की आवश्यकता की वस्तुओं की मांग दिनों दिन बढ़ती गई, उस मांग की पूर्ति के लिए अधिक संख्या में कारखाने खुलते गए। इस प्रकार हाथ से माल तैयार करने वाले शिल्पकारों का स्थान मशीनों एवं कारखानों ने ले लिया। कारखानों के स्वामी बड़े उद्योगपति बन गए। उद्योग के क्षेत्र में इसे परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है आपके बक्सर के युद्ध का, आपको वर्णन करना है। ठीक है, बक्सर का युद्ध आपका 1764 ईस्वी में मीर कासिम अवध के नवाब एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों की सेना के साथ 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में भीषण संग्राम हुआ, परंतु सफलता अंग्रेजों को ही मिली। मीर कासिम युद्ध भूमि से भागने को विवश हुआ। अंग्रेजों ने एक बार फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। अंग्रेजों की इस विजय से न केवल मीर कासिम की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई, बल्कि अवध भी अंग्रेजों के सैन्य व राजनीतिक प्रभुत्व में आ गया। जहां प्लासी की जीत ने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति मजबूत की, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत कर दिए थे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों इलाहाबाद की संधि की मुख्य धाराओं को आपको उल्लेख करना है। देखिए बक्सर
युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों ने और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी हुई। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। पहला दोस्तों, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेज कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। वे इन प्रांतों में भू राजस्व वसूली के अधिकार हो गए। दूसरा, मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशनों अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया। तीसरा पॉइंट, कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए। चौथा दोस्तों, अवध का शेष भाग इलाहाबाद एवं कड़ा को छोड़कर अवध के नवाब शुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया। पांचवा, नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में दिए। ठीक है दोस्तों, फिर आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? देखिए, ब्रिटेन में लोग बंगाल के कुशासन और अर्थव्यवस्था के कारण चिंतित हो गए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में की जांच के लिए ब्रिटिश संसद को विवश किया। जांच से पता चला कि कंपनी के बड़े अधिकारियों ने भारतीय जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा था। उस समय कंपनी आर्थिक संकट में थी। उसने ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड का कर्ज मांगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के कार्यों पर नजर रखने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसकी एक परिषद या काउंसलिंग भी बनी। परिषद में 4 सदस्य थे। 4 में से 3 सदस्यों का कंपनी से कोई संबंध नहीं होता था। कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए न्याय की व्यवस्था की गई। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को आपको समझाना है। देखिए, इजारेदारी या एकाधिकार व्यवस्था की असफलता के बाद कंपनी ने नई योजनाएं लागू की किंतु भी सफल नहीं हो सकी। अंत में कंपनी ने बंगाल और बिहार में भू राजस्व स्थायी तौर पर निश्चित करने का निर्णय लिया। ठीक ना, 1793 ईस्वी में कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। कार्नवालिस को ही भारत में ब्रिटिश पद्धति की असैनिक सेवा या सिविल सर्विसेज का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके अंतर्गत राजस्व वसूल करने के अधिकारी को जमींदारी का मालिक बना दिया गया। नए जमींदार से एक निश्चित रकम सरकार को निश्चित समय पर देने के लिए कहा गया, बाकी रकम छोड़ दी गई। उसे जमींदारी का वंशगत अधिकार मिल गया। वह अपनी इच्छा अनुसार जमींदारी को बेच या रेहन रख सकता था। जबकि दोस्तों मुगल साम्राज्य में जागीरदारों से जागीरें छीनी जा सकती थी। जागीरदार जागीरें बेच नहीं सकते थे किंतु ठीक ना, वे किसानों को बेदखल भी नहीं कर सकते थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा है, रैयतवाड़ी प्रथा क्या थी? देखिए, आपकी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सरकार ने एक नई व्यवस्था चलाई थी जिसे रैयतवाड़ी प्रथा कहते हैं। यह मद्रास तथा बंबई प्रांतों में प्रचलित थी। इस व्यवस्था में किसान का सरकार से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गया। किसान सरकार को सीधा लगान देने लगे। उन्हें पैदावार का आधा भाग सरकार को कर के रूप में देना पड़ता था। इस प्रथा के अंतर्गत किसानों की दशा कुछ सुधर गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है, महलवाड़ी व्यवस्था को आपको समझाना है। उत्तर पश्चिम प्रांत या वर्तमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के हिस्सों और पंजाब, सरकार ने गांव के पूरे समाज महलों ठीक है ना के साथ भूमि एवं लगान संबंधी समझौता किया। भूमि पर पूरे महल का अधिकार होता था। प्रत्येक गांव की मालगुजारी निर्धारित कर दी जाती थी और उसकी अदायगी की जिम्मेदारी किसी उत्तरदायी व्यक्ति को सौंप दी जाती थी। इस भूमि व्यवस्था को महलवाड़ी प्रथा कहते थे। यह व्यवस्था 30 वर्षों के लिए निर्धारित की जाती थी। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के पश्चात न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी? देखिए, अंग्रेजों ने भारत का शासन अपने हाथों में लेने पर कुछ दिनों तक तत्कालीन भारतीय कानून ही चलाए। भारतीय परंपरागत के अनुसार व्याय, उत्तराधिकार, धर्म, जाति आदि से संबंधित व्यक्तिगत कानूनी रीति रिवाजों और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित थे। राजस्व और अन्य मुकदमे का फैसला राजा या उसके द्वारा नियुक्ति जज करते थे। अंग्रेजों ने इस व्यवस्था में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। वारेन हेस्टिंग्स ने प्रचलित न्याय व्यवस्था में कई सुधार किए। 1772 ईस्वी में उसने प्रत्येक जिले में एक दीवानी अदालत तथा एक फौजदारी अदालत स्थापित की। दीवानी अदालत कलेक्टर के अधीन थी तथा फौजदारी की मतलब का प्रधान काजी होता था। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का संक्षिप्त आपको वर्णन करना है। ठीक है, इसको देखते हम लोग, भारत में कंपनी के शासन काल की दो नीतियां बड़ी महत्वपूर्ण थी क्योंकि उनका बड़ा दूरगामी प्रभाव हुआ। उनमें पहली थी सहायक संधि नीति और दूसरी दोस्तों थी राज्य हड़प करने की नीति।
इस नीति का पालन लॉर्ड डलहौजी ने किया था। वेले जेली की भांति वह भी बड़ा महत्वाकांक्षी था, किसी भी प्रकार भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार का कट्टर समर्थक था। तो इस नीति के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिन भारतीयों नरेशों ने कंपनी के साथ मित्रता की संधि की थी अथवा जो अंग्रेजी राज्य के अधीन थे, यदि उनका कोई पुत्र ना हो तो बिना अंग्रेजों की अनुमति के वे किसी को गोद नहीं ले सकते थे, जबकि हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक पुत्र रहित व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार प्राप्त था। सामान्यतः अपने परिवार या निकट के संबंधी को ही गोद लिया जा सकता था, जो कि बाद में गोद लेने वाले व्यक्ति का उत्तराधिकारी होता था। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका, वारेन हेस्टिंग्स के सुधारों का आपको वर्णन यहाँ पर करना है, ठीक है। यह दोस्त लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स का काल सुधार रो का काल कहा जाता था, इसको स्पष्ट करिए। देखिए क्वेश्चन दो बार आपका आ चुका है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। अपने प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग्स, ठीक ना, हेस्टिंग ने सर्वप्रथम मतलब 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल से द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति की घोषणा की और सरकारी खजाने का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया। हेस्टिंग का विचार था कि समस्त भूमि शासक किए राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण तथा अशुद्धि के नियम को अपनाया। राजस्व सुधार नीति, तो राजस्व सुधार के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग्स ने राजस्व की वसूली का अधिकार कंपनी को अधीन कर दिया और राजस्व वसूली में सहायता देने वाले दो भारतीयों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और तथा राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। हेस्टिंग ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की, उसने जिसमें मतलब कंपनी के राजस्व संग्राहक नियुक्ति किए गए। भूमि कर सुधार के अंतर्गत 1772 ईस्वी तक संग्रहण के अधिकार ऊंची बोली बोलने वाले जमींदारों को 5 वर्ष के लिए दिए गए और उन्हें भू स्वामित्व से मुक्त, ठीक है ना, मुक्त कर दिया गया। 1773 ईस्वी में कर व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए भ्रष्ट कलेक्टरों को पदमुक्त कर भारतीय दीवानों की नियुक्ति की गई। इस पंचवर्षीय भू राजस्व व्यवस्था से कृषकों की काफी हानि हुई। उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम लोग न्याय व्यवस्था क्या क्या थी और शैक्षिक सुधार। तो वारेन हेस्टिंग ने अपने कार्यकाल के दौरान न्याय सुधारों के अंतर्गत जमींदारों से न्यायिक अधिकार छीन लिया। इसकी न्याय व्यवस्था मुगल प्रणाली पर आधारित थी। 1772 में उसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। दीवानी न्यायालय कलेक्टर के अधीन थे। हिंदुओं के मामले का निपटारा हिंदू विधि से तथा मुसलमानों का मुस्लिम विधि से किया जाता था। न्यायाधीश को उपहार एवं शुल्क लेने पर मनाही थी। शैक्षिक सुधार, सामाजिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए एक मदरसा स्थापित किया। गीता के अंग्रेजी अनुवादक चार्ल्स विलिकिंस को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि संसार को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो देखिए सामान्य रूप से संसार को निम्नलिखित वृहत प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो एक तो दोस्तों आता है आपका शीत कटबंधीय प्रदेश, दूसरा आपका शीतोष्ण कटबंधीय प्रदेश, ठीक ना। देखिए शीत कटबंधीय में आपका टुंड्रा प्रदेश आता है और टैगा प्रदेश आता है। शीतोष्ण में आता है दोस्तों आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश, शीतोष्ण पठार और मरुस्थल, शीतोष्ण मानसूनी या चीन तुल्य प्रदेश, शीतोष्ण घास के मैदान पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश और सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश। फिर शीत कटबंधीय प्रदेश में दोस्तों देखिए दोनों गोलार्धों में 66/1/2 अक्षांश ध्रुवीय केंद्रों के बीच के क्षेत्र को शीत कटबंधीय कहते हैं। यहाँ पर सूर्य की किरणों के अत्यधिक तिरछे पड़ने के कारण तापक्रम नीचा रहता है। दिन तथा रात्रि की अवधि 24 घंटे से अधिक होती है। ध्रुव के पास 6 महीने का दिन तथा 6 महीने की रात्रि होती है। इसका कारण है कि इस कटबंधीय में सूर्य कभी भी लंबवत नहीं हो पाता। अब दोस्तों बात करेंगे ध्रुवीय या टुंड्रा प्रदेश। यह एक ऐसा प्रदेश है जहाँ कई महीने लगातार रात रहती है और कई महीने लगातार दिन। हमारे यहाँ जैसे दोस्तों वहां पर सूरज रोज सुबह उगकर शाम को डूबता नहीं है। क्या तुम ऐसी जगह के बारे में कल्पना कर सकते हो? वहां इतनी ठंड पड़ती है कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमा रहती है। जमीन पर बर्फ, झीलों पर बर्फ, नदियों पर बर्फ, पूरा सागर दोस्तों बर्फ बना रहता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए ध्रुव के आसपास के क्षेत्र को हम ध्रुवीय प्रदेश कहते हैं। ग्लोब में उत्तरी ध्रुव के चारों ओर एक बड़ा सा सफेद क्षेत्र दिख रहा है, ठीक दोस्तों ऐसा है। और देखिए ध्रुवीय वृत्त के अंदर जहाँ अधिक ठंड होती है उसको हम टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। अब टैगा प्रदेश किसको बोलते हैं इसको जरा देख लेते हैं। यह प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में लगभग 50 अंश उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित है। इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया में शीत उप ध्रुवीय जलवायु प्रदेशों में पाया जाता है, ठीक है ना। देखिए इस प्रदेश में संकुल वन पाए जाते हैं जिन्हें हम साइबेरिया में टैगा कहते हैं। इस आधार पर इसे हम टैगा प्रदेश कहते हैं।
अगला दोस्तों आता है आपका शीतोष्ण कटबंधीय प्रदेश। शीतोष्ण कटबंधीय का विस्तार दोनों गोलार्धों में 23 साढ़े 23 अंश से लेकर 66.5 टन अक्षांश बीच में रहता है। क्या आप यह जानते हैं कि भूमध्य रेखा उत्तर और दक्षिण की ओर सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने की स्थितियों के कारण ग्रीष्मकाल तथा शीतकाल के तापक्रम में बहुत अंतर होता है। इसी तरह यहाँ वर्षा के वितरण में भी भारी असमानता पाई जाती है। फिर दोस्तों बारी आती है आपकी भूमध्य सागरीय या रूम सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय प्रदेश का विस्तार भूमध्य सागर के दोनों ओर 30 से लेकर 40 अंश के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। इस प्रदेश के अंतर्गत भूमध्य सागर के चारों ओर के देश उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया तट, दक्षिणी अमेरिका में मध्य चिली, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग एवं न्यूजीलैंड सम्मिलित हैं। ठीक है ना? तो इस प्रदेश का जो विस्तार होता है भूमध्य सागर या रूम सागर के चारों ओर अधिक पाया जाता है, इसलिए इसका नामकरण भूमध्य सागरीय प्रदेश किया गया है। तो अगला दोस्तों आता है आपका शीतोष्ण मानसूनी या चिल तुल्य प्रदेश क्या होते हैं। देखिए शीतोष्ण मानसूनी या चिल तुल्य प्रदेश का विस्तार दोनों गोलार्धों में 25 अंश से लेकर 40 अक्षांशों के बीच महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाया जाता है। इसके अंतर्गत दक्षिणी पूर्वी तथा दक्षिणी चीन या दक्षिणी जापान, ठीक है दोस्तों, ये सब भाग सम्मिलित होते हैं। देखिए इस प्रदेश का सबसे अधिक विस्तार चीन में पाया जाता है, इसलिए दोस्तों इसे चीन तुल्य प्रदेश भी कहा जाता है। तो शीतोष्ण कटबंध में मानसूनी लक्षणों वाले प्रदेश होने के कारण इसे शीतोष्ण मानसूनी प्रदेश भी कहते हैं। अब बारी आती है दोस्तों आपके उष्ण कटबंधीय प्रदेश। एटलस में संसार के मानचित्र या ग्लोब के ठीक मध्य में कौन सी रेखा है? यह रेखा ग्लोब के दो भागों में विभक्त करती है। इस रेखा के ऊपरी उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा नीचे के दक्षिणी भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 30.5 अंश अक्षांश रेखा को कर्क तथा दक्षिणी गोलार्ध में 30.5 अंश अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। इसी कर्क और मकर रेखाओं के बीच सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत रूप में घूमती रहती हैं, जिससे दोस्तों यहाँ सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है तथा तापमान भी अधिक होते हैं। घास के मैदान। संसार के पांचवें भूभाग 20% घास के मैदान पाए जाते हैं। ये घास के प्रदेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो दोस्तों आपका था उष्ण घास के प्रदेश और शीतोष्ण घास के प्रदेश। उष्ण घास के प्रदेश में देखिए क्या होता है, इन घास के मैदानों का विस्तार सूडान में अधिक है, यहाँ सवाना कहा जाता है, ठीक ना। इन घास के मैदानों में बिखरे हुए सगर वृक्ष और झाड़ियां पाई जाती हैं। इस प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से लेकर 20 अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। ये प्रदेश भूमध्य रेखी और मरुस्थली प्रदेशों के बीच में पाए जाते हैं, अतः इसे उष्ण घास के प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों बारी आती है आपके शीतोष्ण घास भूमि वाले प्रदेश। उष्ण कटबंध की भांति शीतोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में घास के मैदान पाए जाते हैं, इन्हें हम शीतोष्ण घास के प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो शीतोष्ण कटबंधी घास प्रदेश का सबसे अधिक विस्तार यूरेशिया महाद्वीप के रूस में देश में मतलब मिलता है। रूस में इस घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं, अतः इस घास के प्रदेश को स्टेपी प्रदेश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या रहा कि तुंड्रा प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें बताना है। इस प्रदेश का विषम एवं कठोर पर्यावरण मानव जीवन एवं आर्थिक विकास में बाधक है। इस प्रदेश का अधिकतर भाग अब भी निर्जन है। नदी की घाटियों और तटीय भागों में कुछ जनसंख्या रहती है। उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और अलास्का में एस्किमो, स्कैंडिनेविया में लैप्स, साइबेरिया में याकूत, चुकची में दोस्तों होता आपका सेमोयाट नाम की आदिवासी जनजाति निवास करती है। तुम्हारा अगला प्रश्न क्या रहा कि उष्ण मरुस्थली प्रदेश से आप क्या समझते हैं, इसका विस्तार किन किन महाद्वीपों में, ये देखना है। देखिए यह प्रदेश उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में 20 से 30 अक्षांश के बीच में स्थित है। इन प्रदेशों का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के सहारा तथा कालाहारी में, एशिया महाद्वीप के अरब तथा थार में, उत्तरी अमेरिका में महाद्वीप के कोलोरोडो में, दक्षिणी अमेरिका का अटाकामा और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल में है। इसकी जलवायु बहुत ही विषम है। यह प्रदेश सबसे गर्म प्रदेश है। इन प्रदेशों का वार्षिक औसत तापमान 225 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस है। विश्व का सबसे गर्म स्थान जैकोवाद थार एवं अजिजिया सहारा में है। अगला क्वेश्चन है महाद्वीप किसे कहते हैं, सभी महाद्वीपों को आपको नाम भी लिखना है। देखिए पृथ्वी की संरचना से पूर्व, ठीक है ना, 200 करोड़ वर्ष पहले मतलब पृथ्वी एक महाद्वीप था जिसे पेंजिया कहते थे। पृथ्वी के अंदर की प्लेट के खिसकाव से धरातल के ऊंचे उठे हुए भाग नए महाद्वीप कहलाए। 207 महाद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप हो गया यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो गया, पांचवा अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया महाद्वीप का विस्तार, स्थिति तथा जलवायु का संक्षिप्त विवरण हमें प्रस्तुत करना है। तो पहले इसका सामान्य परिचय देखते हैं। एशिया महाद्वीप 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। संसार का 1/3 भाग एशिया महाद्वीप में आता है। इस महाद्वीप में 49 देश हैं। सबसे छोटे देश मालदीव व सिंगापुर, सबसे बड़ा देश रूस है। स्थिति हम इसका विस्तार देखते हैं। देखिए, एशिया महाद्वीप 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेके 130 पश्चिमी देशांतर तक फैला हुआ है। यह उत्तर दक्षिण दिशा में 8,560 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम दिशा में 9,600 किलोमीटर तक स्थित है। ठीक है ना। अब इसकी जलवायु देख लेते हैं हम लोग, कैसे क्लाइमेट कैसा है। देखिए, सागर से अधिक दूर होने के कारण यहाँ की जलवायु में विभिन्नता है। यहाँ का अधिकांश भाग मानसूनी पवनों से प्रभावित रहता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण जून जुलाई महीने में अधिकांश, ठीक है, गर्मी तथा दिसंबर जनवरी के महीने में अधिक यहाँ पर सर्दी पड़ती है। ठीक है, गर्मियों में हवाएं जल से थल की ओर चलती हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, यूरोप महाद्वीप की स्थिति, विस्तार, जलवायु, जनसंख्या, वितरण एवं घनत्व पर आपको प्रकाश डालना है। तो ऐसे क्वेश्चन आया करें तो आप देखिए, ज्यादा आपको नहीं लिखना होता, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके 2 नंबर के आएंगे मैक्सिमम, तो वैसे ही आप सोच समझ के लिखेंगे इसका उत्तर। यूरोप महाद्वीप सभी महाद्वीपों में यह सबसे छोटा महाद्वीप है। खनिज, चारागाह, जल और उपजाऊ मिट्टी आदि संसाधनों तथा आधुनिक तकनीकी होने के कारण यह महाद्वीप समृद्ध भूमि है। इसका तटीय रेखा काफी कटी फटी होने के कारण यूरोप के प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या ठीक ना कहा जाता है। स्थिति और इसका विस्तार देखते हैं। यह महाद्वीप एशिया महाद्वीप के पश्चिमी में स्थित है। यह 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 पश्चिमी देशांतर से लेकर 65 पूर्वी देशांतर तक फैला है। यह एशिया महाद्वीप से यूराल पर्वत श्रेणी, यूराल सागर और कैस्पियन सागर से अलग होता है। अब इसकी जलवायु हम देखते हैं। यह उत्तरी ध्रुवी रेखा के निकट होने के कारण यहाँ शीतकाल लंबा है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम समुद्री धारा के बहने के कारण ध्रुवों के आसपास कृषि करना संभव हो सका है। फिर जनसंख्या, वितरण एवं घनत्व देखते हैं। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। यूरोप की 40% जनसंख्या 45 से 55 अक्षांशों के मध्य पूर्व प्राथमिक दिशा में फैली हुई है। इसे जनसंख्या की धुरी का क्षेत्र भी कहा जाता है। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क आदि देशों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग कि उत्तरी अमेरिका के स्थिति, विस्तार तथा जनसंख्या, वितरण एवं घनत्व का हमें विवरण देना है। देखिए, उत्तरी अमेरिका, इस महाद्वीप का नाम 1507 ईस्वी में इटली के अन्वेषक अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका रखा गया है। इसका स्थिति और विस्तार हम देखते हैं। यह महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध 73 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 84 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। यहाँ कर्क रेखा उत्तर मेक्सिको के मध्य से तथा उत्तरी ध्रुव रेखा कनाडा के उत्तरी भाग से गुजरती है। पश्चिमी गोलार्ध में 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेकर 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक फैला हुआ है। इसमें कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, अलास्का, मेक्सिको आदि, मध्य अमेरिका आदि शामिल है। जनसंख्या, वितरण एवं घनत्व क्या है, इसको जरा देखते हम लोग। उत्तरी अमेरिका की लगभग 60% जनसंख्या झील क्षेत्र में एवं अटलांटिक तट पर बसी हुई है। यहाँ का घनत्व 100 से लेकर 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना। अमेरिका के भीतरी भाग में जमीन उबड़ खाबड़ तथा वर्षा कम होने के कारण यहाँ का घनत्व 5 से लेकर 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पूर्वी भाग में जनसंख्या का समान घनत्व है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, दक्षिणी अमेरिका की स्थिति, विस्तार तथा जलवायु का विवरण देना है। तो देखिए, यह इसकी पहले हम देखते हैं दक्षिणी अमेरिका। यह संसार का चौड़ा बड़ा महाद्वीप है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों, यहाँ संसार की सबसे बड़ी नदी अमेजन एवं इंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है। इसका स्थिति एवं विस्तार, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप 12 अंश उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। इसमें से भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। इसका विस्तार 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 81 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक है। यहाँ का जलवायु और क्लाइमेट देखते हैं। यहाँ जनवरी माह में ग्रीष्मकाल व जुलाई माह में शीतकाल होता है। दक्षिणी अमेरिका की जलवायु गर्म व आर्द्र है। एंडीज पर्वत श्रृंखला की जलवायु शीत व खुशनुमा है। एंडीज पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में वर्षा भी अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति, विस्तार, जलवायु तथा प्राकृतिक संसाधनों का हमें वर्णन करना है। ठीक है ना। अब बात आती है आपके अफ्रीका महाद्वीप। यह महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका से 2 गुना है। इस महाद्वीप में संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान व सबसे बड़ी नदी पाई जाती है। यह महाद्वीप विश्व के लोगों से बहुत समय तक अपरिचित रहा।
इस कारण से इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। इसके उत्तर में सारा का रेगिस्तान फैला हुआ है। यहाँ की प्रमुख नदियां समुद्र की ओर बहकर जलप्रपात का निर्माण कार्य करती है, मतलब यहाँ की जलवायु आर्द्र और गर्म है। स्थिति और विस्तार, अफ्रीका 237 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी स्थान तक फैला हुआ है। यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर, ठीक है ना, दोनों ओर समान रूप से मतलब फैला हुआ है। यह 17 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 50 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। मुख्य मध्य रेखा इसके पश्चिमी भाग से गुजरती है, ठीक है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर अगला इसका बारी आती है जलवायु। उष्ण कटिबंध में आने के कारण यहाँ की जलवायु गर्म और नम है। यहाँ सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती हैं। चारों ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण तटीय भागों की जलवायु सम रहती है। इथोपिया या अफ्रीका संसार का सबसे गर्म स्थान है। यहाँ का औसत तापमान 34.5 डिग्री के लगभग रहता है। लीबिया का भी तापमान सर्वाधिक रिकॉर्ड किया गया है। आप देखिए इसके प्राकृतिक संसाधन देखते हम लोग। एक तो दोस्तों वन हो गया आपका। यहाँ की प्रमुख फसलें पहले देखते हैं। यहाँ की देखिए प्रमुख फसलें दोस्तों गेहूं, मक्का, चावल और कसावा आदि है। इसके अतिरिक्त यहाँ काफी कपास, मूंगफली भी पैदा की जाती है। यहाँ के मुख्य फल दोस्तों केला, पपीता, नींबू, संतरा व अंगूर है। प्रमुख पशु दोस्तों देखिए यहाँ के प्रमुख पशु भैंस, गुरिल्ला, चिंपांजी, चीता व मगरमच्छ हैं। और वन में दोस्तों यहाँ कौन कौन से पाए जाते हैं, देखिए कांगो बेसिन में रबड़ के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखीय प्रदेशों में नारियल, पश्चिमी अफ्रीका में और नाइजीरिया में दोस्तों आपके आयल पाम तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में डेट पाम पाया जाता है, ठीक ना, आप ऐसे इसका आंसर कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि आपका जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की स्थिति, विस्तार तथा जनसंख्या वितरण एवं घनत्व का हमें समझाना है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यह संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसका पूरा नाम कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। इसका एक ही देश ऑस्ट्रेलिया है और इनमें तस्मानिया की जमीन व छोटे छोटे महाद्वीप है। इसका स्थिति और विस्तार देखते हैं। यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह 12 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 38 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला है। इसके मध्य में मकर रेखा गुजरती है। इसका 114 डिग्री पूर्वी देशांतर से 154 डिग्री पूर्वी देशांतर तक विस्तार है। इसका जनसंख्या वितरण एवं घनत्व तो देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में विश्व की जनसंख्या का दोस्तों लगभग 0.3% भाग निवास करता है। मुख्यतः पूर्वी तटीय प्रदेशों में ही जनसंख्या केंद्रित है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सामान्य परिचय हमें देना है। इसका सामान्य परिचय देखते हैं। देखिए जो अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित है। यह पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए दोस्तों इसे सफेद महाद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पर शुष्क तेज एवं बर्फीली हवाएं चलती हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है और भारत के क्षेत्रफल के 4 गुने के बराबर है। इसकी खोज सन 1920 में की गई। इसकी स्थिति और विस्तार देखते हैं अंटार्कटिका का। इस महाद्वीप का कुछ क्षेत्रफल गर्मियों में 142 लाख वर्ग किलोमीटर, परंतु सर्दियों में इसका क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है, क्योंकि समुद्र जल का मतलब जल भी जमकर इसके सीमा क्षेत्र को बढ़ा देता है। 99% स्थायी रूप से बर्फ ये दोस्तों ढका रहता है। कुछ क्षेत्रों में इसकी मोटाई दोस्तों 4,800 मीटर तक है। बर्फ के नीचे अंटार्कटिका में पहाड़, मैदान और घाटियां हैं। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत का इस महाद्वीप के 2 भागों में विभाजित करता है, पूर्वी अंटार्कटिका एवं पश्चिमी अंटार्कटिका। इसकी जलवायु कैसी रहती है देखिए, सभी महाद्वीपों में यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, बर्फीली हवाएं यहाँ पर चलती हैं। प्राकृतिक संसाधन, बर्फ से ढके होने के कारण वनस्पति नगण्य हैं। सामान्य रूप से यहाँ पर मांस और लाइकेन पौधे पाए जाते हैं। ये अधिकतर दोस्तों तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं। जहां पर तापमान थोड़ा सामान्य होता है वहां पर घास व फूल वाले पौधे भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, संसार की वन संपदा का हमें वर्णन करना है। तो देखिए विश्व में निम्नलिखित प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला दोस्तों आता है भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र या सदाबहार वन। इन वनों का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर, देखिए ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके कंपटीशन में भी आते हैं। यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, तो आपको हर जगह ऐसे प्रश्न मिल सकते हैं, आगे सुपर टेट में भी, ठीक है ना। तो दोनों ओर दोस्तों क्या है, 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। ये मुख्यतः दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी का बेसिन व मध्य अमेरिका, अफ्रीका में कांगो नदी का बेसिन, एशिया में दक्षिणी पूर्व द्वीप समूह आदि क्षेत्र पाए जाते हैं। दूसरी दोस्तों नंबर आती है उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन। इन वनों का विस्तार महाद्वीपों के पूर्वी भाग में 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। इन वनों के मुख्य क्षेत्र मानसूनी प्रदेश हैं, जिनमें दक्षिणी पूर्वी एशिया के फिलीपींस, हिंद चीन, पाकिस्तान, भारत, ये दोस्तों बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, दक्षिणी चीन, नेपाल आदि आते हैं। फिर दोस्तों तीसरा आता है शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन। ये वन उत्तरी
गोलार्ध में 40 से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य और दक्षिणी गोलार्ध में 25 से लेकर 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इनके क्षेत्र एशिया में चीन, जापान, दोस्तों कोरिया, मंचूरिया, अमेरिका में पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा का सेंट लॉरेंस बेसिन तथा पश्चिमी यूरोप है। चौथा दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले शुष्क सदापर्णी वन। इस प्रकार के वन दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 30 से लेकर 45 अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इनके अंतर्गत यूरोप में पुर्तगाल, स्पेन, दक्षिणी फ्रांस, उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, एशिया में टर्की, सीरिया, इराक, अफ्रीका में उत्तरी पश्चिमी भाग व कैंप कॉलोनी का क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका में चिली आदि क्षेत्रों में इसे भूमध्य सागरी वन भी हम कह सकते हैं। पांचवा दोस्तों आता है आपका शीत कटिबंधीय संकुल सदापर्णी वन। इन वनों का विस्तार उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय मतलब यूरेशिया के उत्तरी भागों में है। रूस के साइबेरिया के वन जिन्हें टैगा हम कहते हैं इसी के मतलब इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। एशिया में दोस्तों ये वन 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यूरोप में 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और अमेरिका में मतलब अमेरिका के पूर्व 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये विस्तृत हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा, खनिज का आर्थिक महत्व हमें बताना है। तो खनिजों का आर्थिक महत्व इसको देखते हैं। देखिए आपका जो खनिज दोस्तों होता है का विशेष महत्व होता है। मानव की प्रगति में इनका बहुत ही अधिक योगदान रहा है। पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग आदि मानव इतिहास का विभाजन खनिजों के महत्व को कितना मतलब प्रभावशाली सिद्ध करता है। वर्तमान औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिज का भारी प्रयोग किया जाना भी उनके आर्थिक महत्व पर प्रभाव डालता है। आर्थिक विकास में खनिज पदार्थों का महत्व निम्न तथ्यों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला दोस्तों कि आपका समस्त उद्योग धंधों का आधार, परिवहन के साधनों का विकास, ऊर्जा शक्ति के साधन, देश की सुरक्षा में योगदान। पांचवा है कि दैनिक उपभोग की अनेक वस्तुओं की उपलब्धि, खनिजों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, खनन में लाखों व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होना। अगला प्रश्न क्या रहा कि खनिज पदार्थों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है या भारत में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों का हमें वर्णन करना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसके इसको देखिए हमें सबसे पहले तीन वर्गों में इसको हम विभाजित कर सकते हैं। पहले धातु खनिज हो गया, ठीक है ना। तो धातु में दोस्तों क्या हो जाएगा, जैसे दोस्तों हो गया आपका लौह, तांबा, टिन, जस्ता, सीसा, चांदी, सोना आदि। धातु खनिजों को दोस्तों हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो गया आपका लौह धातु खनिज और अलौह धातु खनिज। लौह में दोस्तों हो जाएगा जैसे लौह, मैंगनीज, कोबाल्ट आदि। अलौह में दोस्तों या नॉन में हो जाएगा आपका दोस्तों जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी आदि। अधातु खनिज दोस्तों दूसरा हो गया जैसे आपका गंधक, जिप्सम, ठीक है ना, एस्बेस्टस आदि। खनिज ईंधन में दोस्तों आ जाएगा आपका मिनरल फ्यूल में मतलब जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस व अणु आदि। अगला प्रश्न आपका अच्छा है कि लोहा कितने प्रकार का होता है, हमारे जीवन में धातुओं का उपयोग बताइए। ऐसे क्वेश्चन आप बना के लिख सकते हैं, 2016 में प्रश्न भी आया था ये। तो लौह धातु में अन्य पदार्थों के मिले होने से इसे लौह अयस्क कहते हैं। लौह धातु को इसकी मजबूती के आधार पर मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट चार प्रकार के होते हैं। उपयोग, लौह धातु विभिन्न कार्यों में दोस्तों इसका उपयोग होता है। इसी प्रकार अन्य धातु जैसे आपका तांबा, टिन, पतला, सीसा, चांदी, सोना, मैग्नीज, ठीक है ना, मैगजीन मतलब कोबाल्ट, सीसा आदि का औद्योगिक तथा सामान्य जीवन के हर क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या रहा कि लोहा उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्रों के हमें नाम लिखने हैं। तो लौह अयस्क, ठीक है ना, भारत में लौह अयस्क के विशाल भंडार हैं। इनमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क का मतलब पर्याप्त होता है, जिनमें से दोस्तों लोहे का 60 से 70% अंश होता है। अनुमानतः भारत में लौह अयस्क का कुल भंडार 1.757 करोड़ टन है। लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। उत्पादन क्षेत्र में देखिए कौन कौन सा है दोस्तों। सबसे पहले आपका नाम आता आपका बिहार हो गया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों में ये पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या रहा कि शक्ति के साधन के रूप में पेट्रोलियम पर आपको निबंध लिखना है। तो पेट्रोलियम जलज चट्टानों में पाया जाता है जो वनों और सामुद्रिक जीव जंतुओं के दब जाने से बना है। तेल प्राय नमकीन जल और गैसों के साथ मिलकर मतलब मिला पाया जाता है। पेट्रोलियम का उपयोग परिवहन के साधनों के संचालन में किया जाता है। इसके अतिरिक्त रासायनिक पदार्थ, कृत्रिम रबड़, विस्फोटक पदार्थ, सुगंधित द्रव्य, नाइलोन, प्लास्टिक आदि के निर्माण में भी पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में प्राकृतिक शक्ति के प्रमुख संसाधन कौन कौन से हैं। तो देखिए एक तो आपका आता कोयला, खनिज तेल हो गया, जल शक्ति, ठीक है ना। कोयला पर दोस्तों आप लिख सकते हैं कोयला क्या होता है, खनिज तेल आपका क्या होता है और जल विद्युत शक्ति क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व में प्रमुख रेल मार्ग कौन कौन से हैं, ठीक है ना। जो दोस्तों नाम बता रहे इसको आप याद करते हुए चलेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला दोस्तों उत्तरी ट्रांस महाद्वीप रेल मार्ग जो यूएस के सिएटल नगर से न्यूयॉर्क तक जाता है। दूसरा दोस्तों मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग जो यूएसए के
सैन फ्रांसिस्को नगर से न्यूयॉर्क तक जाता है। तीसरा दोस्तों दक्षिणी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग जो यूएसए के लॉस एंजल से दोस्तों न्यूयॉर्क तक व न्यू ऑरलियंस तक जाता है। चौथा दोस्तों आता है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जो कनाडा के हेलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। पांचवा दोस्तों हो गया आपका कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग जो कनाडा के सेंट जॉन नगर से वैंकूवर तक जाता है। ठीक है, आप ऐसे इसको बढ़िया से याद कर सकते हैं। छठा दोस्तों हो गया आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, पूर्व सोवियत संघ के लेनिनग्राड नगर से मॉस्को तक होता हुआ ब्लाडी वोस्टक तक जाता है। सातवां दोस्तों हो गया आपका ट्रांस काकेशियन रेल मार्ग जो पूर्व सोवियत संघ के बाटूम से फरगाना व उस्क तक जाता है। आठवां हो गया दोस्तों आपका केप काहिर, काहिरा मतलब रेल मार्ग, यह अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केप टाउन नगर से मिस्र के काहिरा तक जाता है। नौवां दोस्तों ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, यह यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुनतिया नगर तक जाता है। दसवां हो गया आपका ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, यह दोस्तों आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है और चिली के वार पेरेजो से अर्जेंटीना के मतलब ब्यूनस आयर्स नगर तक जाता है। ग्यारहवां दोस्तों हो गया आपका ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है और पर्थ नगर से सिडनी नगर तक जाता है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न कि संचार का अर्थ स्पष्ट करते हुए संचार के विभिन्न साधनों की हमें उपयोगिता बतानी है। संचार का अर्थ पहले देखते हैं कि संचार से आशय दोस्तों आपके पत्रों सूचनाओं अथवा संदेशों द्वारा विचारों एवं समितियों के विनिमय से होता है। संचार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संचार में सभी चीजें शामिल हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में डालते हैं। यह अर्थ का पुल है। इसके अंतर्गत कहने सुनने और समझने की व्यवस्थित तथा निरंतर प्रक्रिया सम्मिलित होती है। ठीक है दोस्तों, संचार आपका द्विमार्गीय प्रक्रिया होती है। इसकी उपयोगिता दोस्तों हम देखते हैं। पहले चलिए सीधे दोस्तों हम आपको बता देते हैं इंटरनेट। ठीक है ना, इंटरनेट पर दोस्तों आप बहुत ही अच्छा लिख सकते हैं। इंटरनेट पर ही आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे। फिर दोस्तों दूसरा नंबर आता है वीडियो डिस्क हो गया आपका, तीसरा हो गया कंप्यूटर हो गया, चौथा दूरदर्शन टेलीविजन। ठीक है ना, ठीक है, सब आप बना के लिख सकते हैं। पांचवा दोस्तों हो गया आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गया आपका, रेडियो हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अगर पेपर में आते हैं आप खाली हेडिंग याद रखिएगा, विभिन्न उपग्रह मतलब सैटेलाइट, तो अगर आपको हेडिंग्स भी याद है तो डेफिनेटली आप पेपर में आप एक अच्छा खासा मटेरियल बनाकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा, बढ़ती हुई जनसंख्या से हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं, स्पष्ट करना है। देखिए, जनसंख्या के बढ़ने से देश आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने लगता है, प्रति व्यक्ति आय में कमी होती है, लोगों के रहन सहन का स्तर गिरने लगता है। अधिक जनसंख्या के कारण बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण, साधनों का अधिक शोषण, पर्यावरण प्रदूषण जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या से आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता का स्तर गिरने लगता है। अब बात आती है जल का आर्थिक महत्व में बताना है। सबसे पहले दोस्तों देखिए, घरेलू कार्यों में जल का उपयोग होता है, पीने, कपड़े धोने, भोजन बनाने, शौचालयों में स्नान देव, ठीक है ना, नहाने वाने में इसका हम यूज करते हैं। वाणिज्य उद्योग में दोस्तों जैसे आपका होटल, सिनेमा, दुकानों में इसका उपयोग होता है। औद्योगिक उपयोग में जैसे दोस्तों वृहद उद्योगों में अपना स्वयं का जल स्रोत होता है। उद्योग में विभिन्न क्रियाओं के हेतु जल की आवश्यकता पड़ती है। चौथा दोस्तों सार्वजनिक उपयोग हेतु, सड़कों को साफ करने, पार्कों की सिंचाई, समुचित प्रवाह हेतु जल की आवश्यकता होती है। पांचवा आपका अग्निशमक यंत्रों के लिए, इनकी आवश्यकता के लिए दोस्तों जल नदी, नहरों और झीलों से प्राप्त किया जाता है। छठा आपका हो गया दोस्तों आपका निर्माण कार्यों के लिए, सड़क, भवन, पुल, विभिन्न संस्थानों आदि के निर्माण में जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। सातवां आपका सिंचाई में, देश में कुल पानी का लगभग 80% भाग जल सिंचाई कार्यों में उपयोग किया जाता है। दिन प्रतिदिन पानी की खपत बढ़ती जा रही है। चार्ल्स ट्रिवेनियन के अनुसार यहाँ जल भूमि से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, फिर दोस्तों बारी आती है आठवां मत्स्य पालन में, मत्स्य पालन के लिए जल एक महत्वपूर्ण आधार है, जल के बिना इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तटवर्ती भागों में रहने वाली विशाल जनसंख्या को इससे भोजन प्राप्त होता है। नौवां दोस्तों जल विद्युत उत्पादन में, देखिए जल विद्युत का सबसे सस्ता, सुगम और परिवहनीय ऊर्जा का संसाधन है। दसवां हो गया आपका अन्य उपयोगों में, जैसे नौका परिवहन, पर्यटन, क्रीड़ा, जल मनोरंजन आदि में इसका अत्यधिक महत्व है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या, जल का संरक्षण एवं सदुपयोग पर संक्षिप्त लेख लिखिए। देखिए, हमें जल का प्रयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप बना के लिख सकते हैं, जल का संरक्षण क्यों किया जाता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आता अगला आपका कि ऊर्जा, जी हाँ दोस्तों ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का हमें वर्णन करना है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन क्या क्या है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में वायु, ज्वार भाटा, जियो थर्मल ऊर्जा, बायोगैस, खेतों और पशुओं के कूड़ा करकट,
मनुष्य का मलमूत्र आदि सम्मिलित हैं। ये स्रोत न समाप्त होने वाले हैं, इनका नवीनीकरण किया जा सकता है और ये प्रकृति में मतलब बिना मूल्य के उपलब्ध होते हैं। एक तो दोस्तों आता पहला आता है आपका ज्वारी ऊर्जा। ज्वारी ऊर्जा का विकास करने के लिए कच्छ और कैंपो की खाड़ियां अधिक उपयुक्त हैं। जियो थर्मल ऊर्जा, हिमाचल प्रदेश में गर्म पानी के चश्मों में यह ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसका प्रयोग ठंडे पठार के केंद्रों में किया जाता है। देखिए, बंजर भूमि पर वृक्ष और झाड़ियां उगाई जाती हैं, जिससे ईंधन की लकड़ी, कोयला तथा ऊर्जा आदि प्राप्त किए जाते हैं। नगरों में कूड़े कचरे और मल से बिजली उत्पन्न की जाती है। ठीक है ना। फिर दोस्तों बात आती है गोबर गैस या बायोगैस। पशुओं के गोबर, मुर्गियों के अवशेष एवं मनुष्य के मलमूत्र से गोबर गैस उत्पन्न करने के लिए केंद्र व्यवस्थापित किए गए हैं। गोबर गैस से पैदा की गई बिजली का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सूर्य से भी बिजली का बहुत बड़ा और अच्छे भंडार होता है। सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अपार क्षमता है। मतलब यह ऊर्जा का सार्वलौकिक स्रोत है। सौर चूल्हे भी दोस्तों मतलब इस ऊर्जा से कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की उच्चावचीय विविधता का हमें वर्णन करना है। देखिए, 300 मीटर से कम ऊंचे भूभाग कौन कौन से, इसको देखते हैं। भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 43% भाग 300 मीटर से भी कम ऊंचाई वाला है। सिंधु गंगा के मैदान का पश्चिमी भाग 150 मीटर से 300 मीटर ऊंचा, पूर्वी भाग एवं पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान 50 से 150 मीटर ऊंचा है। कच्छ के इन क्षेत्रों में मैदानी भाग की कहीं कहीं ऊंचाई 250 मीटर से भी कम है। फिर देखिए, आपके 300 मीटर से लेके आपके 1200 मीटर तक के ऊंचे भूभाग कौन कौन से हैं। भारत का लगभग 27.7% भाग भूभाग मतलब इस ऊंचाई के अंतर्गत आता है। भारत का उत्तरी एवं मध्यवर्ती भाग 300 से लेकर 600 मीटर ऊंचा तथा दक्षिणी भाग 600 से लेकर 1200 मीटर ऊंचा है। तो दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट क्या रहा है कि 1200 मीटर से अधिक ऊंचे भूभाग। देखिए, भारत का 29.3% भूभाग 1200 से मीटर से अधिक ऊंचा है। इस भाग में दोस्तों आपकी ऊंची पर्वत श्रेणियां आती है। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तरी विशाल मैदान का भौगोलिक हमें वर्णन करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए, सीधे हम पॉइंट पर आते हैं कि इस मैदान की रचना उर्वरक जलोढ़ मिट्टी से होती है, अतः यह विविध प्रकार की फसलों के लिए बहुत उपयोगी है। यह भारत का अन्न भंडार है और यहाँ की महत्वपूर्ण फसलें दोस्तों आपकी जूट, चावल, गन्ना, गेहूं, कपास आदि है। यहाँ कृषि पर आधारित उद्योग धंधे भी विकसित है। दूसरा पॉइंट दोस्तों आता है आपका कि इस मैदान में प्रवाहित होने वाली नदियों से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ठीक ना, हरियाणा और पंजाब के कुछ क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। तीसरा पॉइंट, ढाल कम होने के कारण इस मैदानी भाग की नदियां जल परिवहन के योग्य हैं। चौथा, इस मैदान के समतल होने के कारण रेल मार्गों का यहाँ पर सघन जाल है और इस मैदान को सभ्यता की जननी कहा जाता है। नई दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना, वाराणसी, मेरठ, फरीदाबाद आदि महानगर एवं अनेक नगर इस भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा है कि हिमालय का महत्व क्या है, इसको समझाना है। तो अब हिमालय का महत्व देखते हैं। देखिए दोस्तों, यह पर्वत भारत की जलवायु को केंद्रित मतलब नियंत्रण करता है। ये उत्तरी बर्फीला ठंडी हवाओं और मानसून मतलब मानसूनी पवनों को रोककर उत्तरी मैदानी भाग में वर्षा करते हैं। इस पर्वतीय श्रृंखला के कारण हमारे देश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। चौथा, हिमालय पर्वत उत्तर के विशाल मैदानों में बहने वाली नदियों का जल स्रोत है। जल का उपयोग हम कई कार्यों में करते हैं, यथा जल विद्युत उत्पादन में, घरेलू उपयोग में, कृषि में, औद्योगिक आदि कार्यों में। हिमालय पर्वत श्रृंखला पर्यावरण संतुलन में, आर्थिक एवं पर्यटन आदि के विकास में सहायक है। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण क्या है, इसके उपयोग मतलब उपयोग उपायों को सुझाइए। तो वन संरक्षण, 29 मार्च 2015 में वनों के संरक्षण तथा वनों के विकास के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 पारित किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों का विनाश और वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों में उपयोग से रोकना था। उपाय दोस्तों क्या है, वनों संबंधी योजनाएं इस प्रकार हो ताकि संरक्षण को बढ़ावा मिले। वनों की कटाई जहां तक संभव हो रोकनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के द्वीप समूह पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। कौन कौन से द्वीप समूह, देखिए भारत के अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप दो द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के तट से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इस द्वीप समूह में 204 द्वीप समूह है जो अर्धचंद्राकार रूप में फैले हुए हैं। ये द्वीप 590 किलोमीटर की लंबाई तथा 50 किलोमीटर की चौड़ाई में फैले हुए हैं। दक्षिणी अंडमान में माउंट हैरियट सबसे ऊंची पहाड़ी है। यहाँ का मतलब बैरन प्रक्षुब्ध तथा नारकोडम द्वीप विलुप्त ज्वालामुखी है। इस द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में केरल तट से कुछ दूरी पर स्थित है। इस द्वीप समूह में 36 द्वीप है। इस द्वीप समूह का क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है। इस द्वीप समूह का निर्माण प्रवाल जीवों के चुने
के ढांचों से हुआ है। इस द्वीप की राजधानी दोस्तों करा मतलब कावारत्ती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की फसलें पाई जाती है इसको बताना है। देखिए भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ 5.5 लाख गांव हैं। यहाँ 268.84 लोग गांव में रहते हैं तथा कृषि से देश की 64% जनसंख्या को आजीविका मतलब आजीविका मिलती है। इसका राष्ट्रीय उत्पादन में 214.1% योगदान है। देश में 14.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है। 2009-10 के अनुसार 86.42 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। भारत में निम्नलिखित तीन फसलें होती हैं, कौन कौन सी दोस्तों? पहला नंबर आता है आपका रबी की फसल, यह अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। इसकी मुख्य फसलें दोस्तों गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि है। हम सिंचाई मतलब यहाँ पर सिंचाई से होती है। दूसरा दोस्तों खरीफ की फसल, यह जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। दोस्तों इस फसलों में दोस्तों आपको चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है ना दोस्तों, अंडे, तिल, मूंगफली, कपास, जूट, सन, तंबाकू आदि है। यह मानसून से सींची जाती है। तीसरा दोस्तों आता है आपका जायद की फसल, यह मार्च में बोई जाती है और जून में काट ली जाती है। इसमें खरबूज, तरबूज, ककड़ी तथा तरकारियां पैदा की जाती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, कह रहा है कि झूमिंग खेती या कृषि पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। झूमिंग कृषि क्या होती है? यह आदिम प्रकार की कृषि है जो उष्णकटिबंधीय देशों में की जाती है। इस कृषि पद्धति के अंतर्गत पहले वृक्षों या वनस्पति को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और उन्हें साफ की हुई भूमि को पुराने उपकरणों या लकड़ी तथा हल आदि से जुताई करके बीज को बो दिए जाते हैं। इसमें फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर करती है, ठीक है ना, निर्भर रहती है। उत्पादन भी कम होता है, प्राय 2-3 साल तक मिट्टी में उर्वरा शक्ति बनी रहती है और खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है, इस पर पुनः पेड़ पौधे उगाते हैं। अब अन्यथा जंगली भूमि को साफ करके कृषि के लिए नई भूमि प्राप्त की जाती है और उस पर कुछ ही वर्ष तक खेती की जाती है। इसे स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं, ठीक है ना। भारत में पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा यह कृषि की जाती है। इस कृषि को श्रीलंका में चेना, इंडोनेशिया में लद्दाख और रोडेशिया में मिल्पा कहते हैं। अगला प्रश्न रहा आपका कि नए विकसित सिंचाई पद्धति को आपको समझाना है। तो देखिए नए विकसित सिंचाई पद्धति क्या है इसको देखते हैं हम लोगों। जहां सिंचाई जल समिति है उन क्षेत्रों हेतु एक नई विकसित सिंचाई पद्धति या फर्ब, ठीक है ना दोस्तों, सिस्टम को कृषि विश्वविद्यालयों या कृषि अनुसंधान केंद्रों द्वारा अपनाया जा रहा है, जिसे गेहूं या जौ की फसलों में सफल पाया गया है। इस फर्ब विधि में 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी तथा 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनाई जाती है और दो क्यारियों के मध्य 25 से 30 सेंटीमीटर चौड़ी सिंचाई की नाली रखी जाती है, जिससे दोस्तों फसल में सिंचाई की जाती है। ऐसा करने से 40 से 50% जल की बचत हो जाती है और उपज में 15 से 20% की वृद्धि देखी जाती है। इस पद्धति का विकास पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के वैज्ञानिक द्वारा किया जाता था। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं, ठीक है ना, किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि हरित क्रांति का क्या अर्थ है और उसकी प्रमुख बातें कौन कौन थी ये आपको बताना। देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपके डीएलएड में आ चुका है 2017 में, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। एक चीज दोस्तों और आपको बता देते हैं कि 21वीं सदी में जल को बचाना और उसका ही सही उपयोग खेती, घरों, जानवरों द्वारा करना है। जल के संदर्भ में कथन है, जल ही जीवन है, ठीक ना, वाटर इज लाइफ। तो दोस्तों WAR है वार, ठीक है ना, विनिंग ऑगमेंटेशन और दोस्तों रिनोवेशन फॉर वाटर, पौधों का प्रथम भोज्य यह जल है। अतः जल की बचत करें, प्रत्येक बूंदी को गिने। वर्षा 2007 में भारत में जल वर्षा मतलब वर्ष बनाया गया, दुनिया का सबसे मूल्यवान संसाधन है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, जो जल है ना हमारा वो दुनिया का सबसे मूल्यवान संसाधन है, ठीक है ना। आदि घोषित थीम या को भविष्य में अपनाना होगा। तो अब हरित क्रांति पर हम बात कर रहे थे। देखिए हरित क्रांति वर्ष 1966 से लेकर 67 से हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अच्छे बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना है। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। इसकी दोस्तों प्रमुख बातें देखते हैं हम लोग, क्या क्या मुख्य बातें। आधुनिक उपज के लिए सुधरे हुए अच्छे बीजों का प्रयोग होने लगा। गेहूं की उन्नत किस्मों जैसे सरबती, सोनारा, कल्याण, सोना, हीरा तथा धान की किस्मों जैसे दोस्तों आपका आता है IR, ताइचुंग, 65 जया, पद्मा, पंकज, ये सब दोस्तों किस्मों विकास का उपयोग किया गया। दूसरा दोस्तों पॉइंट आता है हमारा रासायनिक खादों जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट का विकास व उपयोग किया गया। तीसरा दोस्तों जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना जैसे दोस्तों
कंपोस्ट की खाद, हरी खाद, नीम की खली की खाद इत्यादि। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यातायात के साधनों का वर्णन कर किसी एक परिवहन मार्ग के बारे में आपको बताना है। देखिए 2018 में क्वेश्चन आया था ये। परिवहन के मुख्यतः दोस्तों आपके 3 मार्ग होते हैं, एक तो थल मार्ग हो गया, लैंड ट्रांसपोर्ट, जल मार्ग, वाटर ट्रांसपोर्ट और वायु मार्ग, एयर ट्रांसपोर्ट। अब बात ये आती है दोस्तों आपको जल परिवहन, इसके अंतर्गत सड़क और रेल परिवहन का मुख्य साधन है। इस परिवहन में मनुष्य, पशु, मोटर, ट्रक और रेल द्वारा परिवहन कार्य संपन्न होता है। सड़क मार्ग दोस्तों देखते देखे सामान्य रूप से भूभागों में यात्रियों के आवागमन के लिए बनाए गए मार्गों को सड़कें कहते हैं। इन मार्गों पर मानव, पशु तथा विभिन्न गाड़ियां आदि का चलना संभव है। अत्यंत प्राचीन काल में अव्यवस्थित रूप से मार्गों का उदय हुआ। आधुनिक काल में सड़कों पर बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, कार, मोटर, ट्रक आदि का प्रयोग होता है। अब दोस्तों रेल मार्ग में क्या है, देखिए रेल मार्ग का विकास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, जब विश्व की सर्वप्रथम रेलगाड़ी 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन के मध्य चली। विश्व के अन्य देशों में उसी के बाद से रेलों का चलना प्रारंभ हुआ। फ्रांस में दोस्तों 1827, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1830, ठीक है ना, जर्मनी में दोस्तों 1835, रूस में 1836 और भारत में 1853 में रेलगाड़ियों का चलना प्रारंभ हुआ। रेल मार्गों के वितरण को धरातलीय स्वरूप, जलवायु, आर्थिक एवं सामाजिक स्तर आदि कारक प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के आयात एवं निर्यात के प्रमुख मदों का उल्लेख हमें करना है। भारत के प्रमुख आयात क्या है दोस्तों, मशीनें हो गया, कपास एवं रुई, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद, मोती एवं बहुमूल्य रत्न, अकार्बनिक रसायन, कोयला तथा कोक, लोहे तथा इस्पात की वस्तुएं, खनिज तेल। अब दोस्तों निर्यात कौन कौन थे भारत के, कृषि एवं संबंधित उत्पाद, कच्चा लोहा एवं अन्य खनिज, रत्न एवं जवाहरात, रसायन एवं संबंधित उत्पाद, इंजीनियरिंग का सामान, पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद, वस्त्र तथा तैयार कपड़े, हस्तकला की वस्तुएं। अगला क्वेश्चन क्या रहा कि केंद्रीय सरकार के अंगों का वर्णन करना। देखिए देख तो केंद्रीय सरकार के दोस्तों भी आपके 3 अंग होते हैं, पहला व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो पहले व्यवस्थापिका में भारत सरकार की व्यवस्थापिका को हम संसद कहलाती है, इसका मुख्य कार्य होता है कानून बनाना। कार्यपालिका, इसमें भारत का राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल सम्मिलित है। कार्यपालिका का मुख्य कार्य संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार देश में शासन करना है। न्यायपालिका, भारत का उच्चतम न्यायालय संघीय न्यायपालिका है, इसका कार्य कानून के अनुसार न्याय करना है। भारत में न्याय का यह अंतिम न्यायालय है। भारतीय संघ का पूरा क्षेत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों से मिलकर बना है। केंद्र शासित प्रदेशों को शासन उपराज्यपाल के अधीन होता है। दिल्ली एवं पांडिचेरी को छोड़कर शेष केंद्र शासित क्षेत्रों में विधानसभा नहीं है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि केंद्र सूची के 4 प्रमुख विषयों का मैं उल्लेख करना है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन आपके डीएलएड 2017 में आ चुका है, तो चलिए देखते हैं कि संविधान में केंद्र सरकार से संबंध रखने वाले विषय केंद्र सूची में दिए गए हैं। जैसे दोस्तों आपका हो गया रेलवे, हो गया जल परिवहन, हो गया हवाई जहाज, राष्ट्रीय राजमार्ग, बैंक, विदेशी मामले, स्मारक, रक्षा, दूर संचार और डाक एवं तार। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा, समवर्ती सूची की अवधारणा को हमें समझाना है। देखिए कुछ ऐसे भी विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, इसे दोस्तों बोलते हैं समवर्ती सूची के, मतलब इसको अंतर्गत रखा जाता है। समवर्ती सूची में दिए गए विषय निम्नवत है। पहला दोस्तों चिकित्सा हो गया, अन्य व्यवसाय हो गया, शादी, मीडिया, किताबें, शिक्षा, उद्योग, बिजली, परिवार और धार्मिक संस्थाएं। यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र सरकार के कानून को मान्यता दी जाती है। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि यदि भविष्य में किसी नए विषय पर कानून बनाना हो तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली का वर्णन हमें करना है। या दोस्तों सरकार पर जनता नियंत्रण कैसे रखती है इसको देखते हैं। देखिए प्रत्येक सरकार के 3 अंग होते हैं, चाहे वह सरकार केंद्र की हो या राज्य की। सरकार पर नियंत्रण जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को ही होता है। तो सरकार के अंग या नियंत्रण तंत्र देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले केंद्र, राज्य और कार्य। देखिए व्यवस्थापिका संसद होता है, फिर दोस्तों राज्य में आता है आपका विधानमंडल, और कार्य क्या रहता है इनका, कानून बनाना। फिर दोस्तों कार्यपालिका में आता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्य में दोस्तों राज्य मंत्रिपरिषद, और कार्य दोस्तों कानून लागू करना, ठीक है ना, इनका काम याद रखिएगा कानून लागू करना है ना कि बनाना। उसके बाद दोस्तों न्यायपालिका आता है, पहले यहाँ पर आता है उच्चतम न्यायालय, और दोस्तों राज्य में क्या आता है आपका उच्च न्यायालय, और इनका कार्य होता है कानून का पालन कराना। फिर हमारे देखिए दोस्तों बात करते हैं संसद, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनती है, याद रखिएगा 3 है, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। संसद संघ सरकार की व्यवस्थापिका है। भारतीय लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च है, क्योंकि संसद सदस्य द्वारा, जनता द्वारा मतलब प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। वैसे दोस्तों राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद बनती है। कानून बनाने का कार्य संसद के दोनों सदन करते हैं, परंतु संसद
के अधिवेशनों को बुलाना, उन्हें स्थगित करना तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। इसको जरा ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रपति दोस्त होते हैं वो हमारे भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। अर्थात सरकार पर जनता का नियंत्रण। राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। इस प्रकार राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, इसको जरा देखते हम लोग दोस्तों, कि राज्यसभा की रचना पर हमें प्रकाश डालना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन देखिए आपके पेपर में आते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग कि संसद का मतलब जो दूसरा सदन दोस्तों होता है वो राज्यसभा है। ठीक है ना, इसके सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। इनमें 12 सदस्यों के नाम राष्ट्रपति अपनी ओर से नामित या निश्चित करते हैं। ये सदस्य अपने किसी न किसी कार्य के लिए प्रसिद्ध होते हैं। इन सदस्यों को राष्ट्रपति साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, कलाकारों तथा समाज सेवियों में से चुनकर भेजता है। शेष 238 सदस्यों का दोस्तों चुनाव राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। चूंकि इनका चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रकार के चुनाव की अप्रत्यक्ष चुनाव हम कहते हैं। राज्यसभा का सदस्य वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी आयु 30 वर्ष या उससे अधिक हो। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग कि निम्नलिखित दोस्तों विषय में हमें लिखना है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम, देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम, तो दोस्तों हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है, तो भारत में दोस्तों कुल राज्यों की संख्या 29 है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर हम एक बात बताना चाहेंगे कि कुछ चेंजेस दोस्तों बीच में हुआ था। देखिए 31 अक्टूबर 2019 से भारत में एक राज्य मतलब जम्मू कश्मीर घटा है। तो दोस्तों मतलब अब देश में पूर्ण राज्यों की संख्या दोस्तों 29 से घटकर हमारी हो गई है 28। ठीक है दोस्तों, 28 दोस्तों हमारे पूर्ण राज्य है। और दोस्तों उसके बाद बारी आती है आपके केंद्र शासित प्रदेशों की, जो संख्या थी 7 से बढ़कर वो अब 9 हो चुकी है। इसको जरा आप याद रखेंगे कि भारत में कुल राज्यों की संख्या दोस्तों कितनी है। तो अगर दोस्तों हम दोनों को जोड़ लेंगे कि 28 दोस्तों आपके पूर्ण राज्य हैं और दोस्तों 9 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो फिलहाल भारत में पूर्ण राज्यों की संख्या हमारी है 28, इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा, भारत में जो 28 पूर्ण राज्य हैं दोस्तों, उसके बाद 7 से बढ़कर जो हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अगर दोस्तों दोनों को जोड़कर आंसर देना तो भी दे सकते, दोनों को दोस्तों जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 37। ठीक है ना, इस तरीके का आप आंसर दे सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन आए तो आप इसका आंसर ऐसे लिखेगा, भारत में कुल राज्यों की संख्या दोस्तों 28 है, मतलब पूर्ण राज्य दोस्तों 28 है, उसके बाद 9 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने दोस्तों, 9 है, याद रखिएगा, पहले 7 थे लेकिन दोस्तों जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दोस्तों हमने क्या बना दिया था, केंद्र शासित में ये आ गए। ठीक है ना, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि उत्तर प्रदेश की कुल जनपदों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल जनपदों की संख्या हमारी 75 है, 75 है, याद रखिएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन समय समय पर बदलते रहते हैं, अगर आप इस वीडियो को ज्यादा दिन बाद देखेंगे तो दोस्तों एक बार उसको मैच करा लीजिएगा, क्योंकि ये सब चेंज भी होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा कि राष्ट्रपति शब्दावली को पूर्ण परिभाषित आपको करना है। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ठीक है ना, ये सब हम देश का शासन चलाते हैं, लेकिन पूरे भारत के शासन का प्रमुख राष्ट्रपति है। वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। शासन के बहुत से ऐसे कार्य हैं जो राष्ट्रपति के सहमति के बिना नहीं हो सकते। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। इस मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के सदन मतलब सदस्य होते हैं। इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से देश की जनता द्वारा ही चुना जाता है। ठीक है ना, देखिए हमारे गणतंत्र में कोई भी स्त्री पुरुष इस सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता इस प्रकार है, पहला दोस्तों कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा कम से कम 35 वर्ष की उसकी आयु हो जानी चाहिए, तीसरा दोस्तों किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, चौथा लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता भी रखता हो। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की किन्हीं दो कार्यपालिका संबंधी अधिकारों को हमें स्पष्ट करना है। तो इसके चलिए अधिकार दोस्तों हम देखते हैं राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार हैं। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होता है, अतः इसके कार्यपालिका संबंधी अधिकार बहुत विस्तृत हैं। वह भारत की जल, थल और नभ सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारत के प्रधानमंत्री और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। इन्हें पद से हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही है। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा राज्यों के राज्यपालों और दूसरे देशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कह रहा है कि राष्ट्रपति के संकटकालीन
अधिकारों के हमें वर्णन पर देखते हैं जरा, तो राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार या राष्ट्रपति के दोस्तों इसको शक्तियां बोलते हैं हम। पहला दोस्तों देखिए, युद्ध, आंतरिक अशांति अथवा विदेशी आक्रमण से उत्पन्न राष्ट्रीय संकट। दूसरा दोस्तों संवैधानिक संकट, अर्थात राज्यों में संविधान के अनुसार शासन विफल हो जाने से उत्पन्न संकट होता। तीसरा दोस्तों वित्तीय संकट या आर्थिक संकट। देखिए, युद्ध अथवा आंतरिक अशांति से उत्पन्न संकट की घोषणा होते ही राज्य सरकारों के सब अधिकार संघ सरकार के हाथ में आ जाते हैं। संघ सरकार राज्य सरकारों को कोई भी आदेश दे सकती है। ठीक है, नागरिकों के मूल अधिकार भी निलंबित किए जा सकते हैं। अब तक राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार के संकट की घोषणा कई बार की जा चुकी है। तो दोस्तों आप इसका आंसर ऐसे बनाकर लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रधानमंत्री पर संक्षेप लेख लिखिए। देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप डेफिनेटली एक अच्छा लिख सकते हैं बनाकर। जैसे दोस्तों देखिए, देश के राजनीतिक नेता के रूप में वर्णन करते हुए प्रधानमंत्री की भारतीय राजनीति में स्थिति स्पष्ट करिए। देखिए, ये भी क्वेश्चन दोस्तों डीएलएड 2018 में आता। तो देखिए, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। मंत्रियों में विभागों का विभाजन भी वही करता है। मंत्रियों के विभागों में हेर फेर करना, यहाँ तक कि मंत्रियों को उनके पद से हटा देने का अधिकार भी प्रधानमंत्री को ही है। इसलिए कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की स्थिति वही है जो तारों के बीच में चंद्रमा की होती है। तो दोस्तों उसके बाद प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, इसलिए वह देश का नेतृत्व करता है। संसद में तथा देश विदेश में प्रधानमंत्री ही पूरे राष्ट्र का नेता माना जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल को जोड़ने वाली कड़ी प्रधानमंत्री ही है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता रहे। ठीक है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं कि वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा लोकसभा केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त ना हो। लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे, ठीक दोस्तों, अब दस्त कर सकती है। काम रोको प्रस्ताव पारित करके केंद्रीय मंत्रिपरिषद की गलतियों का प्रकाश में मतलब ला सकते हैं। प्रश्न पूछकर आलोचना भी कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के चार कार्य में देखने हैं लिखने हैं। ठीक है ना, पहला दोस्तों इसका कानून बनाना, दूसरा मंत्रिपरिषद व के कार्य मतलब कामों पर अपना नियंत्रण रखना, तीसरा कानूनों में संशोधन कर सकते हैं लोकसभा में, चौथा दोस्तों जनता पर कर लगाने और खर्च करने का निर्णय लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो योग्यता देखते हैं। पहले, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरा, वह भारतवर्ष के किसी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश का पद संभाल चुका हो, या भारत के किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष लगातार वकील भी रह चुका हो अथवा कानून का महान ज्ञाता हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोक अदालत पर टिप्पणियों में लिखना है। तो हमारे देश में मुकदमों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, इस कारण नियमित न्यायालयों, ठीक है, न्यायालयों पर कार्य का भार बहुत बढ़ गया है। इससे मुकदमों के निपटारे में देरी होती है तथा पैरवी में धन भी खर्च होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर लोक अदालतों की स्थापना की गई है। समय समय पर हर क्षेत्र में या जिले स्तर पर लोक अदालतें लगाई जाती है। देखिए, लोक अदालतों ने शांतिपूर्ण ढंग से दो पक्षों के मध्य समझौता कराकर विवादों को सुलझाने में बहुत सफलता पाई है। आइए हम जानते हैं, मतलब जानते हैं कौन कौन से विषयों पर दोस्तों क्षेत्र लोक अदालतें विवाद सुलझाती है। पहला दोस्तों हो गया आपका कि वाहन दुर्घटना मुकदमा हो गया, विवाह पारिवारिक मुकदमा हो गया, समझौते योग्य फौजदारी मुकदमा। तीसरा दोस्तों, चौथा आता है आपका मतलब कि बिजली गृह कर गृह ऋण संबंधी मुकदमा हो गया, उद्योगों और बैंकों से संबंधित मुकदमे हो गए, भूमि अधिग्रहण संबंधी मुकदमे, पेंशन संबंधी मुकदमे और उपभोक्ता संबंधी मुकदमे। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में जनहित याचिका का आरंभ कब हुआ। जनहित याचिका के दो लाभ भी हमें लिखने हैं। भारत में इसकी शुरुआत सन 1981 को हुई। इनको शुरू करने में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री पीएन भगवती का विशेष योगदान रहा। इस प्रकार का पहला वाद भागलपुर बिहार जेल में बंद विचाराधीन कैदियों के संबंध में था। देखिए, इसका लाभ क्या है। समाज के निर्धन व्यक्तियों और कमजोर वर्गों के न्याय दिलाने के लिए जनहित याचिकाएं लाभदायक हैं। जनहित याचिकाओं में कानूनी न्याय के साथ साथ आर्थिक सामाजिक न्याय पर भी जोर दिया जाता है। तीसरा दोस्तों, जनहित याचिका शासन के अत्यधिक निरंकुश या तानाशाही पर अंकुश लगाने में सहायक होती है। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या रहा कि जनहित याचिका के अवधारणा को हमें समझा रहे हैं, इसकी याचिका देखते हैं। देखिए, जनहित याचिका या जय्या भारत कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में आए मतलब जाए, या किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ित के पक्ष में दायर
किया जा सकता है। जनहित याचिका के अब तक के मामले बहुत ही व्यापक क्षेत्रों में दोस्तों, कारागार और बंदी, सशस्त्र सेना, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, शहरी विकास, पर्यावरण और संसाधन, ग्राहक मामले, शिक्षा, राजनीति और चुनाव, लोक नीति और जवाबदेही, मानवाधिकार और स्वयं न्यायपालिका को प्रभावित किया है। न्यायिक प्रक्रिया और जनहित याचिका का विस्तार बहुत हद तक समांतर रूप से हुआ है और जनहित याचिका का मध्यम वर्ग ने समानता स्वागत और समर्थन भी किया है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि हमें एक अच्छी कर प्रणाली के लक्षण बताने हैं, ठीक है ना, टैक्स जिसको हम कहते हैं। तो देखिए, कर प्रणाली में विविधता होनी चाहिए, अर्थात प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का कर मतलब प्रणाली में इस प्रकार समन्वय होना चाहिए कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति से आय प्राप्त की जा सके। कर का भार समाज पर कम पड़ना चाहिए। कर प्रणाली लोचदार होनी चाहिए, अर्थात उसमें आवश्यकता अनुसार करों को कम करने या बढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। चौथा दोस्तों, कर प्रणाली सरल और सुविधाजनक होनी चाहिए ताकि करदाता को कर राशि का भुगतान करने में मानसिक कष्ट ना हो। फिर पांचवा, कर प्रणाली में उत्पादकता होनी चाहिए ताकि सरकार को वर्तमान में आय प्राप्त हो सके और भविष्य में भी आय का प्रवाह बना रहे, ठीक है। बाकी दोस्तों आप बना के लिख लेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर क्या आपको समझाना है, तो इसका उत्तर देखते हैं हम लोग कि प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिनको वही व्यक्ति देता है जिस पर ये लगाए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर का दबाव तथा भार अंतिम रूप से उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर वह सरकार द्वारा लगाया जाता है। करदाता इस कर के भाग को किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं टाल सकता है। परिभाषा दोस्तों जैसे देखते हैं, जैसे जेएस मिल के अनुसार प्रत्यक्ष कर उन्हीं व्यक्तियों से लिया जाता है जिनसे उन्हें लेने का सरकार का उद्देश्य है, या जेके मेहता के अनुसार प्रत्यक्ष कर वह है जो पूर्ण रूपेण उस व्यक्ति द्वारा चुकाया जाता है जिस पर वह लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा अप्रत्यक्ष कर को लेकर है, से क्या अभिप्राय है, मतलब इसको आपको समझाना है। देखिए, आपको जो अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष कर वे कर होते हैं जिनका दबाव एक व्यक्ति पर तथा उसका भार दूसरे पर पड़ता है। अन्य शब्दों में कर की जिम्मेदारी तो करदाता पर होती है, परंतु वह कर का भार पूर्ण रूप से या अथवा आंशिक रूप से दूसरे व्यक्तियों पर टाल दिया जाता है। प्रोफेसर कार्डोर के अनुसार आय व संपत्ति के स्वामित्व पर लगने वाले सभी कर, मतलब सभी प्रकार के कर प्रत्यक्ष कर होंगे, और संपत्ति की खरीद व बिक्री पर लगने वाले कर जैसे मुद्रांक कर या अप्रत्यक्ष कर होंगे, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में हमें अंतर बताना है। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, देखिए, प्रत्यक्ष कर का भार दूसरों पर टाला नहीं जा सकता है, अर्थात यह उसी व्यक्ति द्वारा अदा किया जाता है जिस पर यह लगाया जाता है। अब अप्रत्यक्ष में इस कर का भार दूसरे ऊपर टालना संभव है। उत्पादक अपना कर भार उपभोक्ता पर स्थानांतरित कर देता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, इन करों से प्राप्त होने वाली आय निश्चित होती है। दूसरा, इन करों से प्राप्त होने वाली आय दोस्तों क्या होती है, अनिश्चित होती है। तीसरा पॉइंट है कि यह कर करदाता की सामर्थ्य के अनुसार लगाया जाता है। और तीसरा पॉइंट दोस्तों, यह कर करदाता की सामर्थ्य के अनुसार नहीं लगाया जाता है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, यह कर करदाता से सीधे वसूला जाता है, और यह कर दोस्तों उत्पादक से वसूला जाता है। पांचवा, इन करों की चोरी संभव है, और इसमें दोस्तों इन करों की चोरी कठिन होती है। अगला प्रश्न हमारा कि केंद्र सरकार के आय के स्रोतों का हमें वर्णन करना है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों सीधे हम केंद्र सरकार की आय देखते हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार के आय के स्रोत, एक तो होता है कर का स्रोत मतलब टैक्स होता है, और दूसरा गैर कर स्रोत। और कर में दोस्तों क्या क्या आता है आपका, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर या दोस्तों कृषि आय के अतिरिक्त, फिर निगम कर आता है दोस्तों, धन कर आता है, और सेवा कर। गैर कर स्रोत में करेंसी तथा टकसाल, मुद्रांक तथा रजिस्ट्री, प्रशासनिक प्राप्तियां, सरकारी उपक्रमों से प्राप्त आय, ऋण पर ब्याज की प्राप्ति। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार के व्यय कौन कौन से हैं, हमें इसको समझाना है। तो केंद्रीय सरकार के व्यय की मदें, ठीक है ना। पहला दोस्तों क्या आपका प्रतिरक्षा सेवाएं, देखिए दोस्तों सिर्फ आपको हम हेडिंग्स बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग बनाकर आप लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आज बारी आती है ऋण सेवाएं एवं ब्याज अदायगी। तीसरा दोस्तों नागरिक प्रशासन। चौथा दोस्तों आपका था राज्य सरकार को अनुदान। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि राजकोषीय नीति के उपकरण अथवा विधियों का संक्षिप्त में वर्णन करना है। ये क्वेश्चन देखिए पेपर में आ चुका है, तो सीधे इसके उपकरण हम देखते हैं, ठीक है ना। पहला दोस्तों आता है आपका कि कर स्तर एवं ढांचे में परिवर्तन करना। दूसरा, विभिन्न मदों में सरकार द्वारा व्यय में परिवर्तन। राजकोषीय विधियां क्या क्या है, पूंजी निर्माण हो गया, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय व धन वितरण विषमताओं को कम करना है। चौथा दोस्तों आपका आता है मुद्रा स्फीति दशाओं पर नियंत्रण लगाना। पांचवा दोस्तों रोजगार में सुअवसरों में वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन क्या, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का स्रोत को हमें लिखना है, ठीक है ना। तो पहला दोस्तों आता का भू राजस्व या माला गुजारी। दूसरा है दोस्तों कृषि आयकर। तीसरा राज्य उत्पाद शुल्क। चौथा वस्तु एवं सेवा कर। पांचवा प्रशासनिक प्राप्तियां। छठा है राजकीय व्यवसाय से शुद्ध आय।
इसमें दोस्तों देखते हैं, पहला कारखाना, सिंचाई का कार्य हो गया, सड़क तथा जल परिवहन, सार्वजनिक निर्माण कार्य और वनों से आय। अन्य दोस्तों आय में होता है आपका विद्युत शुल्क आता है, बस यात्रियों पर कर, स्टाम्प शुल्क, निबंधन शुल्क और मनोरंजन कर, ठीक है ना। फिर आय कर का हिस्सा होता है केंद्रीय उत्पादन करों का हिस्सा हो गया, और सहायता अनुदान इत्यादि, ठीक है ना। कि उत्तर प्रदेश दोस्तों सरकार के जो आय के स्रोत हैं ये सब है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि राज्य सरकार के व्यय कौन कौन से, इसको हमें समझाना है। तो देखिए दोस्तों, राज्य सरकार के व्यय प्रमुख मद है। पहला दोस्तों हो जाएगा आपका विकास व्यय, दूसरा दोस्तों हो जाएगा गैर विकास या विकासोत्तर व्यय। अब विकास व्यय में दोस्तों क्या क्या आता है इसको जरा देखते हैं। विकास व्यय में दोस्तों सीधे हम आते हैं पॉइंट्स पर आपका, जैसे किस कृषि में आ जाएगा, पशुपालन हो गया, सामुदायिक विकास हो गया, सहकारिता, सिंचाई, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण कार्य। अब विकासोत्तर या गैर विकास में दोस्तों जैसे आ जाएगा सामान्य प्रशासन, पुलिस हो गया, न्याय और जेल हो गया, कर वसूली, व्यय और ऋण सेवाओं पर ब्याज। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा, बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत बैंक अपना मतलब बैंक से आपका क्या है आपको ये बताना है। तो आप उम्मीद करते हैं बैंक तो आपको ध्यान में होगा, बैंक क्या होता है। देखिए साधारणतः बैंक का अर्थ एक ऐसी संस्था से जो कि धन का लेन देन करती है। बैंक उन लोगों से सुरक्षा हेतु कम ब्याज पर धन प्राप्त करती है जिनको शीघ्र पैसों की आवश्यकता नहीं है, और इस धन को उन व्यक्तियों को देती है जो उत्पादक कार्यों में लगाकर आर्थिक विकास करते हैं। बैंक ऐसे व्यक्तियों से अधिक ब्याज लेती है, ठीक है ना। इस ब्याज का अंतर ही बैंक का लाभ होता है। जमा स्वीकार करने तथा ऋण लेने के अतिरिक्त बैंक के अन्य कार्य हैं, जैसे बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा, बिल, हुंडियों का भुगतान आदि। अब देखिए दोस्तों वेबस्टर कोष के अनुसार क्या होता है। देखिए बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है, यह एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहां धन का जमा, संरक्षण तथा निर्गमन होता है, तथा ऋण देने व कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि भेजने की व्यवस्था की जाती है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा है कि वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित बैंकों के प्रकार को आपको स्पष्ट करना है। चलिए बैंकों के प्रकार देखते हैं। तो वर्तमान युग व्यवसायिक गुण युग है, मतलब भिन्न भिन्न व्यवसायों की स्थापना तथा संचालन में बैंकों का योगदान आवश्यक है। आज के युग में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय जैसे उद्योग धंधे हो गए तथा पेशे इत्यादि अनेक आर्थिक समस्याएं होती हैं, ठीक है ना। ये सब दोस्तों होता है, तो इसको जरा हम निम्नांकित भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया दोस्तों देसी बैंकर हो गया, व्यापारिक बैंक हो गया, सहकारी बैंक हो गया, भूमि बंधक बैंक हो गया, बचत बैंक हो गया, मतलब विनियम बैंक हो गया दोस्तों, औद्योगिक बैंक हो गया, केंद्रीय बैंक हो गया और अन्य बैंक हो गए, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आज का एक अच्छा क्वेश्चन है, जो नाम काफी सुना होगा आपका, भारतीय रिजर्व बैंक पर संक्षिप्त लेख लिखिए, ठीक है दोस्तों। इसी को हम लोग बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या RBI, ठीक ना, नाम सुना होगा आपने। देखिए सर्वप्रथम भारत का केंद्रीय बैंक की स्थापना सुझाव वारेन हेस्टिंग्स ने दिया था सन 1913 में। लॉर्ड किंग्स ने केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रश्न फिर से दोहराया है, परंतु इसके स्थान पर 1921 में तीन प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना कर दी गई, परंतु उसे नोट निर्गमन का अधिकार नहीं दिया गया। इसके बाद 1926 में पुनः हिल्टन यंग कमीशन ने केंद्रीय बैंक स्थापित करने का प्रश्न उठाया, परंतु इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। केंद्रीय जांच कमेटी ने सन 1931 में रिजर्व बैंक की स्थापना पर अधिक बल दिया। इसके फलस्वरूप 1934 में एक बिल पारित हुआ और 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना कार्य शुरू कर दिया। तो दोस्तों देखिए 1 जनवरी सन 1949 ईस्वी को बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया और सभी अंशों को सरकार ने स्वयं खरीद लिया। रिजर्व बैंक के कार्य क्या क्या है, ठीक है ना। इसके दोस्तों जो कार्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला केंद्रीय बैंक के कार्य होता है, दूसरा साधारण बैंक के कार्य। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, काफी आपने सुना होगा स्टेट बैंक के क्या क्या कार्य हैं। जी हाँ दोस्तों SBI, ठीक है ना। तो देखते हैं केंद्रीय बैंक संबंधी कार्य। हमारे देश में रिजर्व बैंक की सभी मतलब स्थानों पर शाखाएं उपलब्ध नहीं है, अतः ऐसे सभी स्थानों पर स्टेट बैंक और उसके एजेंट के रूप में कार्य करता है। रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में यह निम्न प्रकार के हैं दोस्तों। देखिए हमको आपको हेडिंग बता देते हैं, जैसे सरकार के बैंक संबंधी कार्य हो गए, दूसरा बैंकों के बैंक के रूप में कार्य हो गया, तीसरा सार्वजनिक ऋण का प्रबंध करना, चौथा दोस्तों धन का मतलब हस्तांतरण करना। फिर दोस्तों देखिए स्टेट बैंक के व्यापारिक बैंक संबंधी कार्य दोस्तों, जैसे हो जाता है आपका रुपया जमा करना होता है, ऋण देने का कार्य हो गया, और विनिमय बिलों तथा साख पत्रों का क्रय विक्रय हो गया। चौथा दोस्तों आता है बहुमूल्य धातुओं के क्रय विक्रय का कार्य हो गया। पांचवा दोस्तों देखिए व्यापारियों से धन हस्तांतरण की सुविधा हो गया। छठा हो गया कि अपने धन का विनियोग हो गया। सातवां हो गया ग्राहकों के एजेंट के रूप में कार्य करना।
ठीक है ना, ये सब आप बना के लिख सकते हैं। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं आज का, कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के क्या क्या कार्य, इसको आपको समझाना है। ठीक है, देखिए इनका कार्य क्षेत्र प्राय 1 या 2 जिलों तक ही सीमित होता है और यह छोटे किसानों, ग्रामीण कारीगरों तथा सामान्य वर्ग के व्यापारी एवं उत्पादकों के लिए ऋण की व्यवस्था करते हैं। इन बैंकों द्वारा दिए गए ऋण पर कम ब्याज लिया जाता है, जो सहकारी समितियों द्वारा वसूल किए गए ब्याज दर से अधिक नहीं होता है। देखिए इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य छोटे व सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, कारीगरों तथा छोटे उद्यमियों को उधार एवं अन्य प्रकार की वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना था। आरआरबी को भी अनुसूचित व्यापारिक बैंक का संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। ठीक ना दोस्तों, इस तरह आप बना के लिख सकते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके 2 नंबर के ही आते हैं पेपर में, इसको जरा ध्यान में रखकर ऐसे आप उत्तर इसका लिखेंगे, क्योंकि पेपर में आपको 2 घंटे का ही समय मिलता है। ठीक है ना, उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा आप लोग। थोड़ा और बता देते हैं कि जैसे बैंकों के कर्मचारियों की वेतन दरें विभिन्न राज्यों में कार्यशील सहकारी मतलब सरकारी कर्मचारियों के वेतन के अनुरूप निर्धारित की गई है, इन दरों का निर्धारण करते समय संबंधित क्षेत्र के सरकारी तथा स्थानीय मंडलों के कर्मचारियों की वेतन दरों का ध्यान रखा गया है। ठीक है ना, आप ऐसे बना के लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्त हमारे क्या है, ई बैंकिंग क्या है। जी हाँ दोस्तों, ई बैंकिंग मतलब इंटरनेट बैंकिंग। तो ई बैंकिंग से तात्पर्य होता है बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को उनके घर, कार्यालय अथवा सार्वजनिक स्तरों पर वैकल्पिक सुपुर्दगी चैनलों या जैसे दोस्तों फोन हो गया, मोबाइल फोन, एटीएम, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि के द्वारा विभिन्न बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना है। संक्षेप में दोस्तों, ई बैंकिंग से अभिप्राय ऐसे बैंकिंग व्यवसाय से जो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से कार्य करता है। अब देखिए ई बैंकिंग से कार्य प्रणाली बैंक व्यवसाय को निम्न 2 रूपों में बांट देती है। जैसे दोस्तों हो गया आपका बीसीबी मतलब बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है ना, या बैंक का बैंक से व्यवहार। इसके अंतर्गत एक बैंक दूसरे बैंक से ईमेल तथा इंटरनेट के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न होता है। वास्तव में आज बैंक कंप्यूटर के माध्यम से बहुत ही मतलब बहुत से मामलों में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा दोस्तों पॉइंट आता है आपका बी से सी मतलब बिजनेस टू कंप्यूटर। आप ऐसे ही ध्यान रखिएगा, नहीं तो ऐसे मत लिखिएगा, या तो ये लिखिएगा बिजनेस टू कंप्यूटर या दोस्तों बैंक का ग्राहक के साथ व्यवहार। तो इसके अंतर्गत किसी बैंक तथा उसके ग्राहकों के मध्य होने वाले व्यावसायिक तथा वित्तीय लेन देन को शामिल किया जाता है। अब ई बैंकिंग संबंधी सेवाएं कौन कौन सी, इसको जरा देखते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले दोस्तों आता है आपका एटीएम कार्ड हो गया, एटीएम की सुविधा हो गया। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तीसरा दोस्तों बिक्री स्थान बिंदु या पॉइंट ऑफ स्केल्स मतलब सेल्स हो गया दोस्तों, ठीक है ना, सेल्स। टैली बैंकिंग मतलब दोस्तों हो गया। चौथा हो गया आपको, पांचवा हो गया आपका इंटरनेट बैंकिंग हो गया। छठा हो गया दोस्तों क्रेडिट डेबिट स्मार्ट तथा इंटरनेशनल कार्डों का प्रयोग। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। अब आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंकों का महत्व हमें बताना है। ठीक है ना, बैंकों का क्या महत्व है इसको देखते हैं। बैंकों के कार्यों का स्मरण करने से इनका आधुनिक युग में महत्व स्पष्ट हो गया है। ये उत्पादकों एवं व्यापारियों को धन उत्पादन करने में सहायता देते हैं। एक कारखाने का मालिक इन बैंकों से न केवल कच्चा माल खरीदने के लिए रुपया उधार लेता है, वरन वह मजदूरों की मजदूरी देने के लिए भी वह धन इन्हीं से लेता है। जब कभी उसे कारखाने में उत्पादन की मात्रा बढ़ानी होती है या कारखाने का प्रसार करना होता है या किसी दूसरी जगह के व्यापारियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी होती है, तब वह इन्हीं बैंकों से सहायता लेता है। बैंक व्यापारियों की हर पल मदद करते हैं। ये उनके माल को जमानत या सिक्योरिटी में रखकर रुपया उधार देते हैं, उनकी हुंडियां भुनाते हैं और साख पत्र या लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करते हैं। उनके आदेश पर दूर दूर से रुपया मंगाते या भेजते हैं तथा हर प्रकार से उनको आर्थिक सहायता पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। बैंक छोटे छोटे उद्योगपतियों तथा कृषकों को भी कम या अधिक मात्रा में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त बैंक अनेक विविध कार्यों करके अपने ग्राहकों को मदद पहुंचाते हैं। ये उनके बीमे के रुपये बीमा मतलब कंपनियों को भेजते हैं, यात्रियों के पत्र जारी करते हैं, जेवरात तथा अन्य कागजों को लॉकर में सुरक्षित रखते हैं, ग्राहकों के पासपोर्ट मांगते हैं आदि। इस तरह बैंक अपने ग्राहकों की अनेक प्रकार से सेवा करते हैं। जिस देश में बैंकिंग व्यवस्था जितनी अधिक उन्नत होती है, आर्थिक दृष्टि से वह देश उतना ही प्रगतिशील हो जाता है। इन्हीं कारणों से दोस्तों मानव के आर्थिक जीवन में बैंकों का अत्यधिक महत्व है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, और अगर आपको लगता है कहीं पर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, एक बात दोस्तों और ध्यान में रखना, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा। और देखिए पेपर से पहले इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों कुछ ना कुछ आपके दिमाग में बैठ जाए। और लघु उत्तरी प्रश्नों को खाली आपको बढ़िया से बनाकर लिखना होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। डेफिनेटली दोस्तों आप 2 में 2 पार आ सकते हैं। हाँ, इस वीडियो के बाद एक काम और करना, आपको इसी वीडियो सीरीज की पार्ट 1
जो कि बहुविकल्पी क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों, और पार्ट टू दोस्तों आपके अति लघु प्रश्नों, क्योंकि उसको जरूर देखना, ठीक है ना, फिर मिलते हैं।